Thank you.
हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल ओम ज्ञान जनाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुर्निमितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रिया हरि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम परिगुरुपाद पद्म निखिलिका प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलिका प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने चार टाइप दिया है। जितने गोस्वामी हैं सब गोस्वामी को क्या बोले चार काम तुम लोगों को करना है। अब बताओ तो क्या क्या चार काम करना है किस पर याद है जो उन्होंने बताया चार काम ध्यान का बोलो कोई एक एक बोलो ठीक किस पर क्या याद है बोला सब सब भूल गए काफी पहले लेकर के आएगी क्या सब काफी पहले लेकर के आए आए काफी पहले पहला क्या काम था लीला स्थली प्रकाश इसलिए इतने लीला स्थली है क्योंकि ये जो रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ये कौन है राधा रानी की ये नित्य सखी है
इसलिए जिस समय भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी अत्यंत दुर्लभ प्रेम शरण गति श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आए बोले जीवों के ऊपर में भगवान कृपा करके कहते अकेले नहीं आते, पूरा अपना धाम और अपना भक्तों को परिकरों को लेकर के इस जगत में भगवान आते, पूरा परिकरों को अकेले नहीं आते, धाम परिकर लोग। इसलिए जब आए अभी इनको साथ में सारे भक्त परिकर लोग भी आए, जब परिकर लोग आए अभी उनको साथ में कृष्ण लीला का समय में जो जो उनको भक्त लोग थे जितने सखाएं थी सखियां थी वो लोग भी आए। अभी धीरे 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 जब भगवान की जगत से अंतर ध्यान होकर चले गए भगवान कृष्ण, धीरे धीरे क्या हुआ जो लीला स्थली थी ना वो धीरे 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 ये लीला स्थली कृष्ण कहाँ पर बंसी बजाए, कहाँ पर सतकर्ण गोपियों को साथ में रास किया, कहाँ उन्होंने पुतना मारे, कहाँ उन्होंने खड़े होकर गिरिराज उठाए, कहाँ पर राधा रानी मान की और कृष्ण मनाए, कहाँ राधा रानी कृष्ण जब बंसुरी बजाए राधा रानी को सखियां श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार तो हो गया लेकिन आत्मा में काजल लगाना बाकी था। इतने में कृष्ण बंसुरी बजाए तो राधा रानी सब छोड़ करके आती है, कृष्ण ने देखा इनकी सारे श्रृंगार लेकिन आत्मा में भी काजल लगाना बाकी, कृष्ण क्या किया राधा जी की आत्मा में काजल लगाए और काजल लगा करके जो हाथ में काजल बच गया ना जिस पत्थर को ऊपर में बैठ करके लगा रहे थे उसमें हाथ को घिस गया, अभी भी वो स्थान का नाम आजनौ, अभी भी वो ऐसे अद्भुत पत्थर है, अब वो पत्थर को घिसो ना अभी भी उससे आंचल निकलता है काजल अपने आप निकलता है। कहाँ पर कृष्ण बंसुरी बजाए अभी राधा रानी है, कहाँ पर बंसुरी बजाए राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे सारे श्रृंगार तो हो गया, अभी मेहंदी लगाना पड़ेगा, अभी राधा रानी भागते भागते आए श्याम सुंदर ने देखा सारे श्रृंगार केवल मेहंदी बाकी, कृष्ण एक वृक्ष था जिसका पत्ता को रगड़ो ना जिससे रंग निकलता था मेहंदी के रंग निकलता था, कृष्ण राधा जी की चरण में हाथों में कृष्ण उनको मेहंदी लगाए इसलिए उसका नाम पड़ गया जापट, क्या नाम पड़ा जापट नाम पड़ा। कृष्ण एक समय राधा रानी को उन्होंने गए बुलाने के लिए लेकिन जटिला कुटिला जो सास सास और ननद बड़ा तेजी है सास और ननद इसलिए उन्होंने मिलने नहीं दिया, कृष्ण ने बोले दारी के आज सारा रात मेरी ऐसे बीत गई राधा रानी को मिलने नहीं दिया, मैं ऐसे काम करूंगा ना तुम दोनों सास और ननद हमसे मिलाओ। कृष्ण इतने सुंदर ओहो इतने सुंदर कृष्ण आवाज लगाए, अभी जटिला कोकिला देखा भैया हमने बहुत कोकिल का आवाज सुना लेकिन इतने मीठे कोकिल का आवाज कब सुनाए, इतने में राधा रानी देखा ये कौन है, इतने में जटिला कोकिला ने बोले राधा जी और ललिता को बोले देखो ये जंगल में ना एक सुंदर बड़ा कोकिल कू कू कर रहा है, हमने कभी इतने सुंदर कू कू आवाज सुन ली जाओ देख कर क्या, लेकिन वो कौन था वो कृष्ण था, इसलिए जटिला और कुटला राधा रानी को लेकर के उनको साथ में मिला, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया कोकिलावर, क्या नाम पड़ गया कोकिलावर छत्रवर है, छत्रवर मतलब क्या है जहाँ पर स्वयं कृष्ण राधा जी के सर पर छत्र धारण किया और पूरा दुनिया में उन्होंने घोषणा किया आज से वृंदावन की जो राज रानी है कौन है श्री राधा रानी बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए इसी जगत में अभी राधा जी को साथ में सखियां थी ना राधा रानी, एक का स्थान का नाम है दी, एक स्थान का नाम अड्डी, नाम सुनो दी अड्डी कामावती,
प्रतीक अटिक नाम क्यों पड़ा? प्रतीक मतलब होता है जहाँ पर राधा रानी का मान की, लेकिन कृष्ण थोड़ी सी चापुरासी करके मनाना शुरू कर ना, उनकी मान दीक खा गया। दीक समझते हो, मतलब मान उन्होंने छोड़ दिया। ये स्थान का नाम अटिक, अटिक मतलब राधा रानी मान की। कृष्ण बहुत कोशिश किए मनाने के लिए, लेकिन किसी तरह से राधा जी की मान ही नहीं मानी, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया? अटिक, मतलब जहाँ राधा जी का मान को उन्होंने तोड़ नहीं पाए। एक स्थान का नाम मानसरोवर, बोले मानसरोवर क्यों नाम पड़ा? बोले कृष्ण रास करते करते एक समय राधा रानी ने एक सुंदर अपना हाथों से बिना धागा से, ऐसे तो जो फूल होता है जिसमें माला बनाने के धागा की जरूरत नहीं, वो बिना धागा से ऐसे फूल होता है, उसको खो 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 करके ना तो एक सुंदर माला बन जाती। अभी उन्होंने उसी माला को उन्होंने पहनाया कृष्ण को, राधा रानी, लेकिन कृष्ण ने देखा अभी गले में माला है, अभी राधा रानी से मिलने के लिए माला बीच में बाधा बनने वाली, उन्होंने गले से माला को उतार करके जिस पेड़ में लटका दी। इतने में एक तोता ने क्या किया, वो माला को पकड़ करके आकाश में उड़ते हुए देख जा रहा। इतने में चंद्रावली ने देखा, चंद्रावली जानते हो कृष्ण के सबसे जो दो प्यारी सखी है ना, एक राधा और एक चंद्रावली, ये दोनों कृष्ण के सबसे प्यारे और दोनों के एंटी है, एक दूसरे को देख नहीं सकते। जैसे एक पति का अगर दो पत्नी हो, क्या साउथ लगती है ना, ये जैसे साउथ, लेकिन उसी जगत में ये अलग चीज, उसी जगत में ये अलग चीज, इसी जगत में ईर्षा द्वेष है, लेकिन उसी जगत में ऐसे नहीं। उसी जगत में राधा रानी ही कंपटीशन के लिए स्वयं दूसरे रूप धारण किया। बल्कि देखना, एक पति की अगर एक पत्नी हो, अगर पति वाले क्लास में पानी उठा कर दिया तो बोले खुद पी नहीं सकते, उठा पी लो ना। लेकिन एक पति का अगर दो पत्नी होना, देखना कंपटीशन लग जाती, बहुत इनको ज्यादा सेवा कर सकते, जितने जानकर जितना सेवा ज्यादा सेवा करेगा उसको पक्के में होगा। इसलिए राधा रानी खुद कृष्ण की सेवा ज्यादा हम करें, कृष्ण की हम ज्यादा सेवा करें, कॉम्पिटिशन हो कौन कृष्ण को कितना सुख हम दे सकते हैं। इसलिए राधा रानी ही उनने दूसरे रूप धारण किया चंद्रावली का, जैसे कृष्ण की ही ऐसे मत बैठे ऐसे ठाकुर। इसलिए राधा रानी ही दूसरे रूप उन्होंने ये चंद्रावली का उन्होंने रूप धारण किया है। इसलिए चंद्रावली अभी उन्होंने देखा वो तोते को सुंदर फूलों की माला लेकर के जा रहा, और उसने चंद्रावली उसको बुला अपनी तरह कि अनार दाना खिला। वो तोता अनार देख करके उतर करके आ गया, बल्ले ये अनार कहा, लेकिन फूल की माला दे दो। वो देखा कृष्ण की प्रसाद माला, और उसने वो फूल को लेकर के अपना जो खोपा होता है ना, पहले माता है खोपा में उसमें सुंदर करके माला की श्रृंगार कर दी। थोड़ी देर बाद में ललिता देखती है राधा रानी इतने प्रेम से जो सुंदर फूलों की माला बनाई, वो माला कहाँ पर है? अरे ये चंद्रावली की कृपा से। ललिता ने कहा देख राधे, तुमने कितने प्रेम से सुंदर माला बनाई, कृष्ण को पहनाया, देखो फूल की माला कहाँ पर। इतने में राधा रानी तो मान करके चली गई, और इतने रोई आंखों से आंसुओं से पूरा एक सरोवर हो गया। इसके सरोवर का नाम क्या? मान सरोवर। उसी समय में जिस समय भगवान कृष्ण ये सब लीला कर रहे थे ना, उसी समय ये सब सखी मंजरिया थी, इसलिए उनको पता है कृष्ण कहाँ पर कैसे कैसे उन्हें लीला की, उनको सारी चीज पता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन लोगों को, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया? रूप गोस्वामी कौन? बोले श्री रूप मंजरी। बोले सनातन गोस्वामी कौन? बोले ये लवंग मंजरी। इसलिए इन्होंने वो सारे लीला को उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए दर्शन करने का नाते अभी भगवान कृष्ण चले गए, चले जाने पर काल नष्ट, बोले काल की प्रभाव से है, बोले काल की प्रभाव से धीरे 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 क्या होते गया, धीरे धीरे की जो लीला स्थली धीरे 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 लुप्त होते गया। अभी किसको बताई थी कहाँ पर कृष्ण किया क्या लीला किया नहीं किया, किसको बताई? अभी हम लोगों को पता कैसे चलेगा? वज्रनाभ ने
ना बज्रनाभ ने कृष्ण का जो पोपत्र था उन्होंने तो कुछ प्रकाशित किया है, लेकिन उसको बाद में भी धीरे 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 की लीला स्थली धीरे 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 अप्रकाशित होने लगी। इसलिए फिर जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण आए, फिर उसी कृष्ण को साथ में कृष्ण का जितने सखी मंजरी उनके जितने ग्वाल बाल जब दो बार फिर जगत में आए ना आकर के, फिर महाप्रभु देखे ये सारे लीला स्थली धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है, धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और धीरे 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 सारे विग्रह लुप्त हो रहा है। इसलिए महाप्रभु पुनः आकर के ये सब चीज को प्रकाशित किया, सब चीज को प्रकाशित किया। इसलिए महाप्रभु बोले छह गोस्वामी को जाओ, कृष्ण की जितने लीला स्थली है जो धीरे 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 लोग अप्रकाशित है, जाओ तुम लोग जाकर के पूरा ब्रज मंडल में भ्रमण करो। ब्रज मंडल में भ्रमण करते हुए पुनः ये लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित करो, लोगों को पता चले हैं। अभी जो हम लोग ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, अगर ये गोस्वामी लोग नहीं आते है ना फिर तो हमें पता ही नहीं चलता, थोड़ी बहुत पता चलता लेकिन उतना पता नहीं चलता जितना पता अभी हमें चल रहा है। इसलिए प्रथम काम क्या था, उन्होंने विग्रह स्थापन, उनको विग्रह स्थापन के लिए बताया। अब बताओ कल हम सुन रहे थे ना, उन्होंने बहुत विग्रह स्थापन किया, बोले तीन गोपाल कितने कौन कौन है इसलिए नहीं, ये तो गोविंद गोपीनाथ और मदन ये तीनों को तो स्थापन किया है, हैं? अब बताओ ये तीनों को कैसे प्रकाशित किया कौन बोलेगा, किसको या जो तीनों को उन्होंने प्रकाशित किया, एक गोविंद एक गोपीनाथ एक मदन मोहन, बताओ तो कृष्ण का शरीर में कौन गोविंद कौन गोपीनाथ कौन मदन मोहन, जो बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। जोर से हाँ, ये माता के लिए ताली बजाते हो, उन लोग तो फेल हो गए। तो ये माता जी की याद रखी है, अगर इतने थोड़ी थोड़ी बात याद नहीं रखो क्या याद रखोगे। इसलिए उनकी जिस समय बज्रनाभ ने उत्तरा को बोले अपना दादी को, आप तो कृष्ण की इतनी मीठी मीठी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हो, अभी हमें वो ठाकुर में देखना चाहता हूँ, मेरे दादा थे कैसे। तो उन्होंने बोले वो सब चले गए, ठीक है मूर्ति मूर्ति को माध्यम से तुमको बना करके हम दिखा दे। फिर उन्होंने जो विग्रह में उनकी मुखार बिंद आया वो ठाकुर का नाम रख दिया गोविंद ने, क्या नाम रखा कल भूलना नहीं। और जिस ठाकुर में उनको बख्य स्थल आया उसका नाम क्या रखे गोपीनाथ, और जिनमें उनकी चरण आया उसको क्या बोले मदन। यदि अगर एक सूर्यास्त में ये तीन ठाकुर को कोई दर्शन करते है ना, यदि उनको कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। इसलिए कोई माला इस समय जप नहीं करना, सब काफी और पेन लेकर बैठते, कोई माला फला जप नहीं करना। देखो जब गुरु जी पाठ करते है ना माला जप नहीं करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए ध्यान से, ठीक है। इसलिए ये तीन गोविंद गोपीनाथ और श्री मदन मोहन को प्रकाशित किया है, हैं? इसलिए कभी उन्होंने एक मदन गोपाल को स्थापन किया और एक साखी गोपाल है, एक साखी गोपाल है और एक गोपाल कौन है कहते श्री श्रीनाथ जी, वो भी गोपाल है। इसलिए उन्होंने तीन गोपाल जी को स्थापन किया था। और कितने नाथ, एक गोपीनाथ है और एक श्रीनाथ है, ऐसे करके कुछ नाथ है ऐसे को दिया है उन्होंने, कितने कहाँ पर कैसे क्या उन्होंने स्थापन किया है। और उन्हीं ठाकुर में जो गोविंद गोपीनाथ और जो मदन मोहन है, और ये तीन ठाकुर हमारे गौड़ियों का विशेष विशेष, ये तीन ठाकुर ये विशेष है, ये तीन ठाकुर गोविंद गोपीनाथ और श्री मदन मोहन है। पहला काम है विग्रह प्रकाशित किया, दूसरा काम क्या था लीला स्थली, और तीसरा काम क्या था उन्होंने श्री ग्रंथ प्रकाश करने के लिए बताया। और उन्होंने इतने ग्रंथ प्रकाशित किया, हम धीरे धीरे सुनेंगे। कल एक ग्रंथ का नाम सुन रहे थे जिसका नाम था चाटू पुष्पांजलि, जिसमें उन्होंने राधा रानी की
चोटी है, राधा रानी का चोटी को उन्होंने सर्पों के साथ उन्होंने उदाहरण दिया था। इतने ग्रंथ हम उस सब ग्रंथों को धीरे धीरे हम सुनेंगे क्या क्या ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने बहुत ग्रंथ प्रकाशित किया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं वो सारे ग्रंथ में जो विशेष दो ग्रंथ है ना वो विशेष ग्रंथ है। बताओ दो ग्रंथ क्या है? एक है श्री उज्जल निर्मणि और एक श्री भक्ति रसामृत सिंधु। इसलिए कहते उसी सारे ग्रंथ में ये दो ग्रंथ है इनकी विशेष ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम भक्ति रसामृत सिंधु है, मतलब भक्ति रस की समुद्र है। और उसी ग्रंथ में भक्ति का डेफिनेशन किया है, भक्ति की डेफिनेशन है किसको भक्ति कहते हैं, किसको भाव कहते हैं, किसको रुचि कहते हैं, किसको आसक्ति कहते हैं, किसको साधन कहते हैं, किसको उन्होंने डेफिनेशन दिया है। क्योंकि कभी कभी देखना कोई व्यक्ति थोड़ी सी प्रभु का नाम लेकर के आंखों से आंसू बहा लेना, बोले इसको भाव हो गया, हम कहते हैं ना इसको भाव हो गया, लेकिन उन्होंने ये भाव का सब डेफिनेशन दिया, बोले इसको तो भक्ति हो गया, लेकिन उसमें भक्ति की डेफिनेशन दिया, उसके अंदर में क्या क्या लक्षण दिखेगा फिर उसको भक्ति आप कहोगे हैं। थोड़ी समय के लिए तो आंखों से आंसू बहा लिया, पीछे से मेरे गलत काम कर रहे हैं, उल्टा पुलटा कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं। इसलिए उन्होंने ये सब चीज को डेफिनेशन दिया। और जो पांच विशेष करके मुख्य रस है, सात गौण रस पांच मुख्य रस, उसमें पांच जो मुख्य रस में भगवान की भक्ति होती है, एक शांत है, एक दास्य है, एक सख्य है, और एक वात्सल्य और एक मधुर। यदि ये पांच मुख्य रस है, जो पांच मुख्य रस को द्वारा भगवान की हम भक्ति करते हैं, सब उन्होंने रस की जो विवेचना उस ग्रंथ में उन्होंने वो रस की उन्होंने कभी विवेचना की, अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस की वो समुद्र है, हैं? और एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम उज्ज्वल निर्मणि, अद्भुत ग्रंथ है ये ग्रंथ, सब पढ़ने का अधिकार है ये ग्रंथ, सब नहीं पढ़ सकते, कौन पढ़ सकते? वो कहते हैं कोई ये ग्रंथ को वही पढ़े जो सख्य रस में, जो वात्सल्य रस में, जो दास्य रस में, वो लोग इसको नहीं पढ़े, ये ग्रंथ को नहीं पढ़े। ये ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? बोले जो केवल श्रृंगार रस के उपासक है। अब समझ रहे हो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मतलब होता है कि गोपियों ने कृष्ण को जो भक्ति की, गोपियों ने कृष्ण को जो भक्ति की, इसको श्रृंगार रस कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं। बोले जिनको श्रृंगार रस में रुचि है, मतलब गोपियां जैसे भक्ति की राधा जी की आत्मगति में जिनकी रुचि, वही लोग ही ये ग्रंथ को पढ़े, ग्रंथ को और कोई नहीं पढ़े। क्योंकि उसमें कितने तरह का गोपियां, कितने तरह का सखी, कितने तरह का मंजरी, इनकी सेवा कैसे कैसे, इनका क्या भाव है, राधा जी की जो दिव्य भाव कैसे है, अद्भुत अद्भुत ये सब ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने भक्ति ग्रंथों को रचना करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। कितना काम हो गया? बोला तीन हो गया, और एक काम दिया है ना? इसलिए उन्होंने राग मार्ग है, राग मार्ग भी उन्होंने बोले राग मार्ग को प्रवर्तन करो। बोले राग मार्ग किसको कहते हैं? आते को ये चीज को समझो, भक्ति दो तरह का है, कितने तरह का? एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति, भक्ति दो तरह का, एक वैधि और एक राग। कहते वैधि भक्ति किसको कहते हैं? बोले वैधि भक्ति उसे कहते हैं जो शास्त्र की शासन के अनुरूप भजन करे। अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं वो सब वैधि भक्ति करते हैं, शास्त्र के शासन, मतलब अगर ये जो मानव शरीर हमें मिला है ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार हमें मानव शरीर मिला, भगवान ये मानव शरीर बारंबार हमें नहीं देते, बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला। अगर इसी जीवन में तुम भजन नहीं करोगे है तो वही 84 लाख जन्म में गधे कुत्ते सुअर पेड़ पौधा होकर जन्म लोगे, है तो संसार का थप्पड़ खाओगे, दुख कष्ट, कोई तन से दुखी, मन से दुखी, शरीर से दुखी, परिवार से दुखी, पड़ोस से
अरे दुख दुख भोग करोगे अगर किसी जीवन में तुम भजन नहीं करोगे तो। इसलिए शास्त्र मतलब जो शासन कहता है, शास्त्र के शास्त्र को अनुरूप जो भजन कहते हैं इसको कहते हैं वैदिक भजन, जो विधि विधान से। नहीं सवेरे हमें कितना सवेरे हमें उठनी चाहिए, कितने बजे उठनी चाहिए? मैंने कल बताया था ना स्नान कितने तरह का है, बताओ तो क्या क्या स्नान है? वाह सब पंडित हो गए। केवल इसको याद करने के लिए नहीं है, केवल उसको याद करने के लिए नहीं, इसको अपना जीवन में उतारने के लिए, ठीक है ना। टाइम से सो करके टाइम से उठो और सवेरे उठ करके नहा धो करके अपना तिलक तिलक सबके सब लगा, बगैर तिलक ये नहीं करना। अगर कोई ऑफिस में काम भी करने जाते हो तभी तिलक लगाना, लेकिन तिलक हल्का से लगाना, तिलक लगाना लेकिन उसको हल्का से लेकर के लगाना, ये तिलक की बड़ी महत्व है। यदि जो ये तिलक को दर्शन कर लेता है, यदि कृष्ण दर्शन करने का फल ये तिलक नहीं, ये हरि मंदिर बताया, ये भगवान की मंदिर बताया। जब जो केवल तिलक दर्शन करता है उसको भगवत दर्शन करने का फल अपने आप प्राप्त होगा। भगवत दर्शन भगवत इतने महिमा देखो, अभी मैं सुनाता हूँ, कल मैं आपसे सुनता तिलक की कथा सुना। यदि जो तिलक है ये हरि मंदिर है, भगवान की मंदिर है। इसलिए पुराण में बताया अगर कोई भगवान विष्णु मंदिर, एक भगवान की विष्णु मंदिर को कोई स्थापन कर दे और उनकी ठाकुर को सेवा पूजा की व्यवस्था कर दे, ठाकुर की सेवा पूजा की व्यवस्था करे, उसको कितना फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा जो एक विष्णु मंदिर को स्थापन करे? बोले आगे की 21 पीढ़ी और पीछे से 21 पीढ़ी, 21 21 कितना हो गया 42, उसको 42 पीढ़ी उसको भगवत धाम को चले जाते। एक अगर मंदिर को कोई स्थापन किया, एक हरि मंदिर, इतने इसकी महिमा है। लेकिन हम शरीर में कितना तिलक लगाते हैं? 12। यदि ये जो तिलक लगाते हैं तिलक नहीं है, ये भगवान की मंदिर है। अगर कोई व्यक्ति पूरा शरीर में 12 तिलक लगाता है, मतलब है दिन में भगवान की 12 मंदिर को स्थापन कर रहा है, ये पुराण कहते हैं 12 मंदिर को स्थापन कर रहा है। अगर आप एक व्यक्ति 12 मंदिर को अगर दिन में स्थापन करे, उनका कितने पीढ़ी उधार नहीं होगा, कितने पीढ़ी उधार नहीं हो जाएगी। तिलक की बड़ी महत्व है। और एक कथा सुन लो, बाद में आपसे मैं सुनूंगा। पर एक समय एक बहुत बड़ा भी राजा था, सबसे बहुत बड़ा पापी था, इतना बड़ा उसने पापी था, ऐसे कोई गद्दा काम नहीं, वैश्या गमन मदिरा पान मांस खाना अत्याचार करना, हर तरह का उसने पाप कर्म किया था, हर तरह का पाप कर्म किया था। एक दिन क्या हुआ, उसका जो पड़ोसी राजा था, एक समय दोनों में बड़ा घमासान युद्ध युद्ध होते होते ये जो दुष्ट राजा था, जो पड़ोसी राजा ने उसको मारा गई से तलवार, तलवार मारते ही उसका सर शरीर से धड़ अलग कर दिया। लेकिन जहां पर उसका सर गिरा वो एक तालाब का किनारा था, एक वैष्णव ने स्नान करके, हम लोग सबसे पहले स्नान करके क्या करते हैं, स्नान करने का बाद सबसे पहला काम तिलक, उसको बाद उसको पहले और कुछ नहीं, सबसे पहले तिलक लगा करके आनी करना, तिलक लगा करके ठाकुर को पूजा करना, तिलक लगा करके है जो कुछ करना तिलक लगा करके। क्यों? अगर तिलक लगाए अगर कोई भी काम करो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए देखना पुजारी जो पूजा कराने आएगा वो सबसे पहले आपको तिलक लगाएगा, उसको बाद में पूजा कराएगा। क्यों? तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा निष्फल है। अभी वो संत ने, आप लोग तिलक हम देखते ना हाथ में पानी दे करके, वो तिलक को हम रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते देखना हाथ में जो पानी लेकर रगड़ते हैं, कभी क्या होता है पानी नीचे गिर जाता, पानी थोड़ा नीचे गिर जाती है। जब उसने तिलक को उन्होंने घसा, घिसते समय तिलक जुटो जो पानी वो नीचे गिरा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। तो जब उसने उसको पता नहीं था, जब उसको सर को काट दिया, उसका सर झट गिर पड़ा। जब गिर पड़ा कहाँ पर गिरा, वो तिलक के ऊपर, तिलक ऊपर में जब गिरा उसने तो बड़ा बंधा काम किया था, जितने पाप कर्म किया था, जमदूत उसको ले गए नरक में,
नरक में लेकर उसको जो सबसे बड़ा जो कष्ट जो पाप दंड मिलता है, जो पाप दंड मिलता है, कहते खौलते हुए तेल में जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, ऐसे उसको लेकर उसमें छोंक देते, जो मांस मछली खाते ऐसे छोंक देते पूरा गरम कड़ा तेल। इसलिए उसको क्या किया, उसको उसी कड़ा में डाल दिया। जो डाल दिया ना, उसका जो नीचे आग लग रही थी और उसमें जो जल था, उसमें जो खोल रहा था जो पानी, वो शांत हो गया। खोल रहा था जो तेल, वो तेल ठंडा हो गया और नीचे जो आग जल रही थी ना, वो आग भी शांत हो गया। जब महाराज बोले ये क्या, ये व्यक्ति ने ऐसे किया पुण्य किया, ऐसे क्या पुण्य किया, और एकदम आग बंद और खोलते हुए तेल भी ठंडा हो गया। बोले ओ, मरते समय उसका जो सर है वो गिर पड़ा था जहां पर, वहीं पर ये गोपी तालाब, ये जो तिलक है ना, ये पृथ्वी में कहीं नहीं मिलता है, ये केवल द्वारका में गोपी तालाब से ही सब चीज आती है और कहीं मिलती नहीं। बोले ओ, वो तो जो गिर पड़ा था वो गोपी चंदन स्पर्श हो गया था, इतने में समझ गए कि नहीं। इसलिए तिलक सबके सब गोपी चंदन में, सबके सब तिलक गोपी चंदन में करनी चाहिए। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए कहते भक्ति कितने तरह का भक्ति है, बोलो क्या क्या, वैदी और नागा दो भक्ति। इसलिए वैदी भक्ति किसको कहते हैं, शास्त्र के शासन के अनुरूप जो भक्ति करते हैं, शास्त्र जो शासन करता है, शास्त्र मतलब हमें जो शासन करके गंदे रास्ता से जो हमें सही रास्ता पर ले जाए, ये शास्त्र है। जो शासन करके हमें, जैसे पिता माता है, जैसे पिता माता बच्चों को अगर कोई गलत काम करे, उनको गलत काम से उनको सही रास्ता पर ले जाते, इसको कहते शास्त्र। इसलिए इसको कहते वैदी। बोले राग भक्ति किसको कहते हैं, बोले राग भक्ति उसे कहते हैं जो स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम, स्वाभाविक रूप में, बोलने का जरूरत नहीं, अभी तो हमें उठने के लिए कहते नहीं। अब देखना, अब अगर रात को सो ना, सबसे ज्यादा जो नींद समय आती, अब विशेष करके जब ठंडा समय आ जाए, जो रिजाई के अंदर में जो सोते हैं, सवेरे उठने की इच्छा करती है, उसमें सोने उठने की इच्छा नहीं करती है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, नहीं अभी ठाकुर जी का मंगल आरती होगा, ठाकुर जी की मंगल आरती होगा, अभी उठो मंदिर में। भक्त चार बजे उठ जाते, पांच बजे जाते, नहा धो करके तिलक लगा करके मंगल आरती भी जाते हैं, उसके बाद में गुरु मंत्र जप करते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, बैठ करके हरिनाम करते हैं, इसलिए। लेकिन ये मन नहीं चाहता है। अब दुनिया में देख लेना, गंदे काम के लिए 3-3 घंटा बैठ कर काम पिक्चर देख लेते, पिक्चर 3-3 घंटा मूवी देख लेते, आंख फाड़ फाड़ देखते रहे। लेकिन किसको बोलो थोड़ा हरिनाम करो, एकदम मन नहीं लगता है हरिनाम से, एकदम मन नहीं लगता, उल्टा पुल्टा चीज में तो मन लग जाती है। लेकिन भक्ति में, भक्ति में तो मन सहज में नहीं लगता है, सहज में। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, सवेरे उठो और अपना जूती लो और ये दुष्ट मन को 100 बार पीटो, कितना बार, 100 बार मारो। मतलब क्या, ये मन को समझाओ, आज दिन भर भगवान की याद करना, ठाकुर का नाम लेना, गंदी चीज देखना नहीं, गंदे व्यक्ति को साथ में मिलना नहीं, संतों को साथ में मिलना, बैठ करके हरिनाम करना, गीता पढ़ा, अपना पढ़ाई करो, जो कुछ कर दो। इसलिए पिटना मतलब ये मन को समझाना, मन को समझाना। इसलिए ब्रह्मपाद ने सवार ये मन को मारने के लिए कहते, इसलिए। लेकिन जो राग भक्ति है, राग भक्ति उसे कहते जो स्वाभाविक रूप में, उनको सवेरे होते ही उठे बगैर रहा ही नहीं जाएगा, उनको रहा ही नहीं जाएगा, उसको पहले ही उठ जाएंगे, उठ करके भगवान के नाम कीर्तन, नाम जप करना, माला करना, ठाकुर जी की ग्रंथ पढ़ना, हरिनाम करना, स्वाभाविक रूप में, जो स्वाभाविक रूप में, उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण दिया, जब
राधा रानी जब श्री उद्धव जी ब्रज में गए और उन्होंने ब्रजवासियों को दुख को देखा और इतने में गोपियों को साथ मिले, गोपिया ने कहा देखो अभी चलो हम ले जाते हैं हमारी राधा रानी की अवस्था को देखो, श्री किशोर जी की क्या स्थिति, चलो देखो। तो देखा राधा रानी को कमल फूल की सज्जा में लेकर बैठे, शरीर में अंगूर कर्पूर चंदन को लेप किया है, लेप किया, लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे तड़फड़ा रही थी, ऐसे शरीर गर्म हुई थी, मिनट में जो कमल फूल का जो सज्जा चुर चुर हो रहा था और शरीर में जो अंगूर कर्पूर चंदन एकदम चुर चुर हो रहा था, इतने में देखा कृष्ण स्वयं एक भौरा बन करके आए और राधा जी की चरणों के ऊपर बैठना चाहते, और इतने में राधा रानी मान करके बोले तुम कपट का दोस्त हो, हैं तू कपट का दोस्त, खबरदार मेरे प्यार के ऊपर मत बैठो, यार भागो यहाँ से, हैं कोई जरूरत नहीं तेरे से प्रीति करने का, प्रेम करने का, यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। इतने में बोले जितने काले है ना सब धूल कर, सत्य युग में काले थे, बोले कौन, बोले श्री बामन थे, तीन पग जमीन में आगे छोटे प्यार में, लेकिन जो बनाया ना एक प्यार में तो भूर भूभव मोह जन सारा दुनिया को ले लिया और दूसरे पग में सब कुछ ले लिया अतल बितल, अब तीसरे पग रखने के लिए स्थान नहीं तो उनको क्या किया, नागपास बंधन में बांध दिया, जैसे कौवा होते हैं वो खाते भी और ठोकर मारते, यदि ये तृतीया युग में भी ऐसे काले, बोले कौन, बोले स्वयं श्री राम आए वो भी काले ही, वो जंगल में गए जटाजुट धारण करते हुए, जटाजुट कौन धारण करते, साधु, और साथ में बीवी को लेकर पत्नी को लेकर बैठ गए, और फिर उल्टा ड्रेस धनुष मां, और जब साधु का ड्रेस साधु भी धनुष धारण करते और अपना पत्नी को लेकर भी जाते, फिर सुपर्ण का देख करके आकृष्ट हो गए हैं और उसको नाक कान काट दिए, अरे शादी नहीं करोगे मत करो ना, एक स्त्री का नाक कान क्यों कटवा दिया, और सुपर्ण का थोड़ी कोई दोष, अगर तू इतने सुंदर नहीं होता वो तुमको शादी करना ही नहीं चाहता, इतने सुंदर बनाई तुम्हें, इतने सुंदर बनाई क्यों, तो अभी वही जो काले है ना ये कृष्ण अभी भी काले जाएगी, इतने कृष्ण को ताना मार रहे थे, इतने काले जन्म जन्मा करके काले काले सब ऐसे। किसने कहा भैया मैं जब से आ रहा हूँ, रमणा ने बताया जब से आ रहा हूँ तो तब से ये काले 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 बोलते जा रहे हो, हाँ वो ऐसे धुरते हैं वो ऐसे है ऐसे, भैया फिर वो काले की बात ही छोड़ दो ना, जो काले ऐसे व्यक्ति बात उसको बात छोड़ो, फिर और कोई कोई बात नहीं और भी बात करो ना, वो काले की बात है क्यों कर रहे, बोले यही तो बात, वो काले को भुला नहीं जाता, हम मन को समझाते मन है, बोले मन तो ये कृष्ण की बात छोड़ना, ये जीवा को हम समझाते कृष्ण बात छोड़ दे और कोई बात करो, लेकिन जीवा में ना उसकी नाम उसकी कथा से कुछ आती नहीं, हम मन को समझाते मैन तो कृष्ण चिंता छोड़कर और कोई चिंता कर, लेकिन ये मन में ऐसे बैठ गया ना वो निकलता ही नहीं, ये आंखों को समझाते हैं भैया काले चीज छोड़कर और कोई चीज देखो ना, और दिखे तो ही काला ही दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, ये कान को समझाते बोले कन्हैया की बंसुरी छोड़कर और कोई चीज सुनो ना, लेकिन कान में आए तो उसकी आवाज ही पड़ता और कोई आवाज ही नहीं, ये पैर को समझाते भैया वही से जगह पर जाओ जहाँ पर कृष्ण लीला नहीं है, जाएंगे तो जिस जहाँ पर कृष्ण के साथ रास रचाए जहाँ पर कुंज कुंज लीला की वही पर जाता और जाता ही नहीं, ये मन ऐसे निगोड़ी मन ऐसे आग कान इनको समझाने पर भी वो काले को छोड़ नहीं पाते, देखो ये चीज को कहते हैं राग भक्ति, चाहने पर भी कृष्ण ऐसे कण कण में हमारे बैठ जाए, मन को हटाने पर भी जहां से मन हटे नहीं, मन से वहां से हटे नहीं, लेकिन हमारे मन क्या देख लो, हम सोचते हैं नहा धो करके है नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठ करके आचमन करते हुए जब हरिनाम करेंगे ना, जब मंत्र जप करके ठाकुर का स्मरण करेंगे, देखना आप बैठ जाओ आग बंद करो, एक सेकंड को बाद में मन कहाँ चला गया, आधा घंटा बाद में देखो मन तो किया है नहीं, किसी गोलगप्पे दुकान में नहीं तो किसी दोस्तों के पास में नहीं तो किसी मल में चला गया, नहीं तो पता नहीं ये मन पता नहीं ये कब चला गया, फिर मन को खींच करके लाते हैं, तो नहीं हरि नाम करते समय केवल भगवान के नाम में चिंता करे, हरे कृष्णा 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 हरे राम।
ना मैं बता कि वो अपना काम करने के लिए कहीं चला जाता है। देखो इसको कहते बैदी बैदी, मतलब ये दुष्ट मन को खींच करके किसी तरह से भगवान की भजन में लगाना विधि के अनुरूप। और जो गोपियों की जो भक्ति, ब्रजवासियों को जो भक्ति है, ये भक्ति क्या है? राग। राग मतलब स्वाभाविक रूप में ये मन को नहीं लगाने पर भी मन उसको छोड़ करके और कोई चीज को चिंतन करती ही नहीं। इसलिए महाप्रभु इनको आदेश दिया जगत में कि राग जो भक्ति है, ये दुर्लभ भक्ति, ये राग भक्ति, जाओ जगत में ये राग भक्ति को जगत में प्रचार और जगत में प्रसार करो। इसलिए महाप्रभु ये छह गोस्वामी को ने ये चार काम उन्होंने सौंपा था और छह गोस्वामी ने आकर के ये चार काम को उन्होंने जगत में किया और हम लोग तक ये दिव्य ग्रंथ को, दिव्य भावना को उन्होंने कृपा करके हमारे पास में पहुंचाया। इसलिए हम सब के सब इनके पास में रेडी है, हम रेडी, ठीक है। बोले श्री रूप गोस्वामी की जय। अभी हमारे बीच में अनिरुद्ध प्रभु जी, थोड़ी सी अनिरुद्ध प्रभु जी को थोड़ी सी रूप गोस्वामी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। हाँ वो तो कही गया, खड़े हो जाओ पड़े जल्दी देख पड़े। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों के अंदर में सामने आ गए, इसलिए अगर आप लोगों के अंदर में अगर कोई बोलना चाहता है सिर्फ जदवरपुर की तरह सामने आ, अगर आप लोग अंदर में कोई अगर कुछ बोलना चाहते हो रूप गोस्वामी के बारे में पाता है जो थोड़ी लिखे पड़ी हो, गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्री श्रीपद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत में नित्य लीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अपना अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में लगाता हूँ। मुझे हमने बोला है कि जो अभी जो आज तीसरा दिन, अभी तीन दिनों में जितना भी रूप गोस्वामी जी के बारे में सुना उसको जो अभी तक सुना उसको दोहरा दिया। जब गुरुदेव ने स्टार्ट किया था तथा शुरू किया था तो बताया था कि रूप गोस्वामी जी कौन थे, रूप गोस्वामी जी कौन महाप्रभु की कौन से मनोकृष्ट पर स्थापित करने को। तो जब उनका बताया शुरू में कि रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ये दो भाई बड़े ही विद्वान, इनकी विद्वत्ता का उदाहरण देकर बताया था कि किस प्रकार उन्होंने कथा सबको याद है ना, कथा सब नहीं कि एक बार एक हुसैन शाह राजा था। वो राजा बड़ा ही क्रूर था, राजा बड़ा ही क्रूर था, दुष्ट था। एक बार उसने एक मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनवाई तो जो कारीगर था वो कारीगर ने मस्जिद बनवा करके वो बोला कि राजा को आप मस्जिद को देख। अब जब मस्जिद को देखने के उसके साथ ही मंत्री भी था, अब जब मस्जिद को देखा तो राजा बड़ा खुश हो गया, जो था ना बादशाह बड़ा खुश हो गया मस्जिद को देख के, वाह क्या सुंदर मस्जिद बनाई, कारीगर को तारीफ करी, कारीगर तो उत्साह में आ गया, जोश में आ गया, बोला अरे बादशाह ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता था, वो तो क्रूर राजा था। बोला दुष्ट जब तू अच्छी बना सकता था तो बनाई क्यों नहीं, ऐसे क्यों बनाई, इससे अच्छी क्यों नहीं बनाई, और उसको वहां मस्जिद की छत पे से धक्का देके मार दिया। और बोला मंत्री को लेकर के आओ, अब क्या लेकर के आओ ये बताया नहीं, और मंत्री की भी हिम्मत नहीं हुई कहीं मुझे भी ना मार दे पूछने के लिए। तो मंत्री दुखी होकर के भटकता रहा, फिर वहां सनातन मिले जो समय पे बड़े ही सुंदर, जिनका नाम क्या था
दोनों के नाम बताए थे ना, रूप और सनातन का वो मिले तुमको बताया, वो पूरी की पूरी कथा सुनाई उन्होंने, वो बड़ा परेशान था। उसने बोला मेरे को इतनी बड़ी समस्या है कोई हल नहीं कर सकता। बोले क्या समस्या है बताओ। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि बस इतनी सी बात, तुम कारीगर लेकर के चले जाओ। वो मंत्री कारीगर लेकर के चला गया। बादशाह वहां बैठ करके सोच रहा है कि मैंने तो मंत्री को बोला था लेकर के आओ, क्या लेकर के आओ बताया नहीं और ये भाग गया, देखो क्या लेकर के आता। लेकिन वो कारीगर ही लेकर के आया। उसने बोला तुम कैसे लेकर के आए। तो उसने बताया कि मैं वहां पे गया था, अमर संतोष मिले थे, उन्होंने मुझे बताया। तो बोले कौन है ये बच्चे कौन है। बोला महाराज बड़े ही विद्वान है। बोला उनको लेकर के आओ। जब उनकी विद्वत्ता को, इतने वो विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता को देख करके दोनों भाइयों को, एक को प्रधानमंत्री और एक को वित्त मंत्री बनाया और अपना संपूर्ण राज्य भार उन्हीं के ही ऊपर दे दिया। और जब रूप और सनातन इन्होंने जब ये राजा का जो भुजन शाह था उसका जब कार्यभार को संभाला, तो उसने दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करी। सारे भारत में उसका राज्य धीरे धीरे फैलने लगा। लेकिन फिर भी वो राजा दुष्ट था। तो उसके बाद धीरे 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 जो भूत सनातन थे इन्होंने कभी महाप्रभु का दर्शन किया, महाप्रभु कभी आए, महाप्रभु का दर्शन करने से फिर दोबारा विराग हृदय में उत्पन्न हुआ और सोचा कि हम गलत काम करते हैं, कुछ राजा की सेवा करते हैं, इसके अधीन हम काम करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने प्लानिंग करा कि हम किसको किस प्रकार छोड़ दें और क्रम से और पूरी की पूरी प्लानिंग करने के साथ में और बिल्कुल बुद्धिमता के साथ में उसके राज्य को छोड़ करके सबसे पहले रूप गोस्वामी जी चले गए। कुछ पैसा रख कर दे गए जिसका इस्तेमाल करके सनातन गोस्वामी रिश्वत देकर, जो हमने कल सुना था, रिश्वत देकर के छोड़ करके वो भी चले गए और दोनों के दोनों महाप्रभु के पास चले गए। महाप्रभु ने प्रयाग से उनको बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा दी, कई सारी बातें बताई जिसमें से हमने सुना था जो चार मुख्य सेवा गोस्वामी जी को महाप्रभु ने दी थी। उसमें से पहले बताया विग्रह प्रकाश, दूसरा बताया लीला स्थली प्रकाश, तीसरा बताया ग्रंथ प्रकाश और चौथा बताया क्या बताया राग भक्ति प्रकाश, जो अभी हमने अभी अभी सुना। इसमें बताया कि रूप गोस्वामी जी जब आए ये महाप्रभु के इतने ही अंतरंग थे, इतने अंतरंग थे कि कभी कभी जो चीज महाप्रभु ने किसी को भी नहीं बताई वो भी ये समझ जाते थे, इनके हृदय में ये चीज प्रकाश हो जाती थी। इसका उदाहरण देते हुए हमारे जो गुरुदेव थे नित्यलीला विष्णु विष्णु पादश्रोत्र भक्ति वदाक्षर नारायण गोस्वामी महाराज, बड़े गुरुदेव बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाते थे। एक बार उन्होंने हमारे गुरुदेव की इस कथा को बड़े सुंदर तरीके से सुना। तो रथ यात्रा का ये वृत्तांत। तो एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने सारे के सारे बताशक तो रथ यात्रा में गए। कौन कौन लोग रथ यात्रा में गए? जगन्नाथपुरी बहुत सारे लोग गए। आपने तो देखा जब जगन्नाथ जी का व्रत आता है तो सारे भक्त कैसे कीर्तन कर करके और चिल्ला चिल्ला करके हरि बोल जय जगन्नाथ करके सब लोग कीर्तन करते। उसी प्रकार महाप्रभु और उनके सारे के सारे भक्त, सोचो जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी जब ये रथ यात्रा के सामने नृत्य करते होंगे अपने भक्तों के साथ में, तो क्या सुंदर वो परिवेश रहता होगा। उस समय पे जब महाप्रभु ये नृत्य कर रहे थे तो महाप्रभु नृत्य करते 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 बड़े ही भाव में आवेश होकर के बड़े ही सुंदर का उन्होंने एक साधारण एक मंडन श्लोक, जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में एक बात होती है, वो एक बात बोली जिसको कि कोई समझ नहीं पाए। जितने भक्त थे उनमें से कोई समझ में नहीं पाया कि महाप्रभु ने ये क्या बोला, किसी को ये बात पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन जो रूप गोस्वामी जी थे वो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद, वो समझ गए महाप्रभु क्या बोलना चाहते थे, यहाँ पर जगन्नाथ जी से क्या महाप्रभु बोल रहे हैं वो समझ गए। और उन्होंने बड़े ही सुंदर श्लोक की रचना करी, उन्होंने एक बड़े ही सुंदर श्लोक की रचना करी जिसके अंदर उन्होंने लिखा प्रिय सोम्यम कृष्ण कुरुक्षेत्र सराधा तद इदम संगम सुखम तथा अंत खेलन मधुर मुरली पंचमाधुषे मनो में कालंदी फुल नया विनया स्पृहयति। बड़ा ही सुंदर एक श्लोक एक ताल के पत्ते पर लिखा। और रूप गोस्वामी जी गुरुदेव बता रहे थे ना रूप गोस्वामी जी कौन है, वो सभी का ही रूप है, स्वयं कृष्ण का भी रूप, स्वयं राधा रानी का भी रूप, स्वयं सबके सभी परिकरों के सभी गुरुवर्गों की कौन है रूप, स्वयं रूप गोस्वामी। और ये नाम उनको किसने दिया, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम उनको दिया रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी की हैंड राइटिंग इतनी सुंदर, उनकी लेखनी इतनी सुंदर कि अगर एक बार उनका लिखा हुआ कोई देख ले तो ही मंत्र मुग्ध हो जाए। और बड़े ही सुंदर अक्षरों पर रूप गोस्वामी जी ने ये श्लोक को लिख करके और एक ताल के पत्ते पर लेकर के और सिद्ध बकुल जहाँ पर हरिदास ठाकुर भगवान का भजन करते थे, हरिदास ठाकुर की भजन कुटी में सब लोग गए हैं सिद्ध बकुल में,
सिद्ध बकुल झाम जाते हैं पुरी की परिक्रमा में, बड़ा ही सुंदर वो स्थान है जहाँ पर एक बकुल का पेड़ है जो स्वयं महाप्रभु ने लगाया था, आज वो बड़ा ही विशाल एक वृक्ष है, हाँ उसकी बड़ी सुंदर कथा है। वहां सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर भजन करते थे और महाप्रभु रोज, क्योंकि हरिदास ठाकुर जो थे उनका जो यवन कुल में जन्म हुआ था इसलिए वो अपने आप को दीन हीन समझ करते, यद्यपि बड़े ही बड़े भक्त थे नामाचार्य लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में वहां नहीं जाते थे, तो महाप्रभु उनके लिए जगन्नाथ मंदिर से जब आते थे उनके लिए प्रसाद लेकर के आते थे और रोज हरिदास ठाकुर के भजन स्थली में आते थे। तो जब महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने जा रहे थे उन्होंने रास्ते में देखा कि बड़े ही सुंदर एक ताल के पत्ते पर, जो कल रथ यात्रा में मैंने एक साधारण बात बोली थी उसको एक श्लोक के रूप में ही किसने लिख दिया, कि मेरे हृदय की बात को कौन समझ गया। उन्होंने जब ये देखा ये श्लोक महाप्रभु ने उसको देख करके बड़े ही प्रसन्न हो गए, श्लोक को देख करके तो लिखा था प्रिय सो यम कृष्ण, उसके अंदर जो प्रार्थना थी उसके तो बड़े ही दूर भाव है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो श्लोक को देख करके महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न हुए। उस श्लोक में हल्का हल्का ये लिखा हुआ था कि हे कृष्ण, ये बात लिखी थी जब कुरुक्षेत्र में जब सब गोपियां राधा रानी जब कृष्ण से मिली तो उसको लिखा था हे कृष्ण आप तो वही कृष्ण हो और मैं वही राधा हूँ, लेकिन ये जो हम कहाँ आ गए कुरुक्षेत्र में हाथी थोड़ा सैन्य सामंत इसके बीच में वो आनंद नहीं जो वृंदावन की कालंती कुलिन में जो आनंद था, कृष्ण आप हमारे हृदय में बैठो और दोबारा वृंदावन चलो। बड़ी सुंदर एक भावना जो थी महाप्रभु की वो गोस्वामी जी ने श्लोक में लिख दिया, और जब ये श्लोक में लिख दिया और महाप्रभु ने देखा तो बड़े ही प्रसन्न हो गए और बोला कि ये श्लोक किसने लिखा, तो बताया कि ये रूप गोस्वामी जी ने श्लोक की रचना करी, तो महाप्रभु बड़े आश्चर्य हो गए और स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं, बोला स्वरूप दामोदर जी ये श्लोक तो मेरे हृदय की बात है, मेरे हृदय की बात रूप गोस्वामी जी कैसे समझ गए। स्वरूप दामोदर जी बोलते हैं, बोला महाप्रभु ऐसा लगता है आप ही ने ही कृपा करके शायद रूप गोस्वामी जी के हृदय में ये बात प्रकाशित कर दी, उन्होंने बोला हाँ कृपा की। इसी प्रकार रूप गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर सुंदर श्लोकों की ग्रंथों की रचना किया करते थे जिसको सुनकर के भक्तों को बड़ा ही आनंद हो जाया करता था। जैसे एक बार रूप गोस्वामी जी ने जो नाम की महिमा बड़ी सुंदर सुंदर शास्त्रों में नाम की महिमा देखा, नाम कितनी महिमा है, कितने सारे कीर्तन नाम के ऊपर भगवान की नाम की महिमा, तुलसीदास जी ने भी देखो नाम की कितनी कितनी महिमा बोली है, लेकिन जो रूप गोस्वामी जी ने नाम की महिमा लिखी, नाम की महिमा लिखते उन्होंने एक श्लोक की रचना करी, उस श्लोक में उन्होंने लिखा तुंडे तांडवनी तनुमृत लते तुंडावनी लते करोड़ करोड़ कदम विनी हते करणे भुजेभ्यां स्प्रहम् चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जने कत्यतु अद्भुत कृष्णेति कण्ठे। जब इस श्लोक को जब लिखा कि भगवान का नाम कैसा है, बोला तुंडे तांडवनी तनुमृत लते, जब ये कृष्ण का नाम जब जवान पे आता है तो जवान तांडव करने जैसे लगती फड़फड़ाने लगती है, वैसे करते करते बड़े ही सुंदर नाम की महिमा लिखी। जब नाम की महिमा जब महाप्रभु ने जब ये नाम की महिमा जब रूप गोस्वामी जी लिख करके महाप्रभु को दी ना, तो महाप्रभु तो आनंद में हो गए, हरी बोल बोला और सारे भक्तों को बुलाया बोला आ जाओ जल्दी आओ, सबको बुलाया, स्वरूप दामोदर हरिदास ठाकुर सभी को बुला करके बोला देखो रूप गोस्वामी जी ने कितना सुंदर श्लोक लिखा नाम की महिमा में, वो बोला कि सबके सामने खड़ा करके बोला सुनाओ सबको सुनाओ, उन्होंने श्लोक को सुनाया, सारे भक्तों ने श्लोक को सुना और बड़े आनंदित हो गए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम उच्च स्वर से 1 लाख हरिनाम करते थे, जब उन्होंने नाम की महिमा सुनी तो वो खड़े होकर नृत्य करने लगे और महाप्रभु ने सबसे बोला कि सभी लोगों से बोला हे भक्तो ये रूप के ऊपर आप सभी लोग कृपा करो कि ऐसी ग्रंथों की और भी रचना कर रहे भगवान के ये जो ग्रंथ जो लुप्त प्राय हो रहे हैं उनको दोबारा से प्रकाश करो। इसी प्रकार गुरुदेव ने बताया कि किस प्रकार रूप गोस्वामी जी ने बड़े ही सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना, इसके अंदर एक बड़ा ही सुंदर पद उदाहरण दिया था, इसमें लिखा था चातुर पुष्पांजलि में किस प्रकार राधा जी की जब एक चोटी की पत्नियों ने तुलना सर्प से करी तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि सर्प से तुलना क्यों करें, राधा रानी कितनी सुंदर है, राधा रानी का हर चीज मधुर मधुर, सर्प से तुलना करें सर्प जहरीला होता है, अच्छा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उसको चेंज कर सकते हो उसको करेक्शन कर, लेकिन राधा रानी ने स्वयं कल बताया था कैसे झूलन में दर्शन देकर के दिखाया कि सच में चोटी जो है वो सर्प जैसी ही है, और सनातन गोस्वामी बोले रूप गोस्वामी जी आपकी कृपा से मुझे राधा रानी का दर्शन हो गया, इतने सुंदर स्वयं राधा रानी का दर्शन करके हर चीज को रूप गोस्वामी जी अपने श्लोकों में अपने उसमें रचना करते हैं। इसलिए हम लोग अपने आप को सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, बोले रूपानुग बोले रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, बोले जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में
जो महाप्रभु राधा कृष्ण की जो भक्ति करते हैं हम उस संप्रदाय से, इसलिए और भी बहुत सारी बातें बताई थी महाप्रभु ने बताई थी कि कैसे गोविंद जी का उन्होंने प्रकाश किया, ये सारी की सारी बातें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। मैं तो रिवीजन कर रहा था बैठ करके, आज वही वही जो रिवीजन कर रहा था वही वही बात आपको सुना, इससे मेरा कुछ भी सब गुरु जी की बातें सुनी हुई है और अभी जो सारे भक्तों से सुना था वो नोट कर करके मेरी बात सब सुन, इसलिए आप सब लोग भी मुझ पर कृपा करो कि मैं भी कभी गुरु गोस्वामी जी के बारे में मुझे जरूर कृपा करेंगे कि हम भी कभी वास्तव रूप में समझ पाए कि गोस्वामी जी और गुरुवर और महाप्रभु राधा कृष्ण सच कुछ बोल, बस ये बोल के कृपा करें। वांछा कर लो रज के पास गुरु वांछा कर पाल लो दो वर्ष जैसे गुरु मिले तो मैं दस कर सकती हूँ जय श्री कृष्ण चेतन प्रभु जैसी अद्भुत मेरा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 सर्वप्रथम मैं जितनी लाओं प्रवेश अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अवचरण कोटि कोटि वंदन अर्पणा करता हूँ। उसके बाद अपनी संपूर्ण परंपरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। कुछ बात श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। यहाँ बैठे मेरे गुरु भाई सबके चरणों में शक्ति माता सबके चरणों में यथा योग हरे कृष्णा। ये जो सब आप जो तीन दिन से सुन रहे हो ये सब हमने सुना है गुरु पादपद में करते थे। जब ये सब होता है रूप गोस्वामी जी का तो गुरुदेव बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। गुरुदेव को बड़ी प्रशंसा होती थी जब ये तिथि आती थी तो ब्रज जितने ब्रज में बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं सबको बुलाते थे और सबको बुला करके ये उत्सव करा करते थे, सब बोलते थे। चूंकि गुरुदेव ये जैसे जब गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं तो रूप प्रतिष्ठा भूतले, तो हमारी जो परंपरा है हमारी जो परंपरा के साधु लोग बोलते हैं कि वो आता है कि बिना रूप गोस्वामी की कृपा से राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अभी प्रभु जी ने रूप गोस्वामी के बारे में बहुत सुंदर बताया। रूप गोस्वामी का जो जीवन चरित्र स्टार्ट हुआ देखो कहाँ से हुआ, एक राजा के मंत्री पद से स्टार्ट हुआ और एक मंत्री पद से स्टार्ट होकर के चेतन महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, चेतन महाप्रभु की खूब कृपा मिली और उसके बाद में उन्होंने ब्रज में वास किया और ब्रज में जब वास करते थे तो वो जगह स्थान बदल दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर ताकि आसक्ति न हो जाए। इसलिए रूप गोस्वामी की दो तीन जो घटना है मैं उन्हें बताऊंगा, बाकी तो महाराज जी बताएंगे और ये चली रही है चर्चा। उनकी दो तीन बहुत मुख्य मुख्य हमने लोगों से ही सुनी है, महाराज जी से सुना है, जब भी जाते थे वहाँ जो वैष्णव कथा सुनाते थे वो सुनाते थे। एक तो एक घटना तो ये है कि श्रीनाथ जी का एक बार रूप गोस्वामी जी दर्शन करना चाहते लेकिन उनका मंदिर है गिरिराज जी के ऊपर, जब गिरिराज जी के ऊपर मंदिर है तो रूप गोस्वामी जी गिरिराज जी के ऊपर चढ़ नहीं सकते लेकिन हृदय में इच्छा है दर्शन करूं। देखो ठाकुर जी कैसी इच्छा पूर्ति करते हैं, वे साक्षात भगवान के डिसीजन है तो इनकी इच्छा तो पूर्ति करेंगे करेंगे। तो उसी पीरियड में ये जो अमन जो लोग थे जो मुसलमान लोग थे इन्होंने क्या किया के जो जो विग्रह थे उनके ऊपर अटैक किया। ये भगवान की लीला है, भगवान ने ये लीला रची और जब अटैक किया तो वो वहां के जो पुजारी थे
उनको लेकर के सिद्धनाथ जी को गोपाल जी जो मंदिर को पढ़ते उनको लेकर के वो मथुरा में आ गए, गिरिराजी से ऊपर से ला करके मथुरा में ले आए। तो जब ले आए तो रूपू स्वामी जी की तो इच्छा थी दर्शन करने के, रूप स्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी और बहुत सारे आचार्य थे वो सब आकर के दर्शन किए उन्होंने। एक घटना बहुत सुंदर है और एक घटना इतनी बढ़िया है कि जब वो भी जाते थे ज्यादातर ये सबने सुनी होगी, और नंदगांव में जो तेर कदम है वहां की घटना है, नंदगांव और बरसाने के बीच में तेर कदम है। अब रोड बन गया, पहले रोड नहीं था, कच्चा रास्ता था, तो उस कच्चे रास्ते से आते जाते थे। जब कच्चे रास्ते से आते जाते थे तो बीच में जहां महादेव जी, कौन से महादेव जी, आशेश्वर महादेव जी उनके वहीं बराबर में जगह, बहुत सुंदर जगह। तो सनातन गोस्वामी जी उनके बड़े भाई हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया कि रूप गोस्वामी जी हर वक्त राधा रानी के प्रेम में रोते रहते थे, यहाँ तक है कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा था, खाते पीते नहीं थे कि राधा रानी की कैसे कृपा मिलेगी, कैसे कृपा मिलेगी, और वहां भजन करते थे। जब सनातन गोस्वामी जी जब उनसे मिलने आए तो बड़े भाई जब आए तो जब कोई किसी का अतिथि जाता है तो मन में तो होता है कि भाई आए तो इनका कुछ स्वागत करूं, कुछ खिलाऊं पिलाऊं। तो रूप गोस्वामी के हृदय में आए कि अगर सनातन गोस्वामी जी आ रहे हैं तो उनके लिए मैं खीर बना के खिलाता तो ठीक था, लेकिन सामान तो है नहीं, बिना सामान के खीर बनेगी, केवल हृदय में सोचा। और जब हृदय में सोचा तो राधा रानी स्वयं खीर का सारा सामग्री लेके आई, और खीर का जब सामग्री लेके आई बोली, बाबा बाबा तुम तो मधुकरी करने जाते नहीं हो, इतने कमजोर हो रहे हो, तुम पे चला जाता नहीं है, तो मैया ने मेरी ने भेजा ये सारा सामान, लो ये खीर बना के खा लेना, नहीं तो मैं खीर बना दूं। बोले नहीं नहीं लाली मैं खीर बना दूंगा, कि नहीं नहीं। तो जब राधा रानी से ये तो जब राधा रानी से वार्ता जब ये हुआ तो और उनके हृदय में भय होने लगा कि देखो मैं तो सोच ही रहा था राधा रानी कितनी कृपालु है। तो जब वो रोने लगे तो राधा रानी ने कहा कि बाबा क्यों रो रहे हो, कि लाली राधा रानी की कृपा नहीं मिल रही। अच्छा कृपा नहीं मिल रही, तो राधा रानी कहने लगी बाबा बिना राधा रानी की कृपा के तो कोई ब्रज में रह नहीं सकता, तो राधा रानी की कृपा है तभी तो रह रहे हो, कि ना लाली राधा रानी की कृपा ना है। तो ये राधा रानी के साथ वो जब इतना वार्तालाप हुआ तो उनका हृदय और रोने लगा, और रोने लगा, और रोने लगा। तो फिर वो खीर बनी, खीर बनी। जब सनातन गोस्वामी जी आए जब खीर खिलाई, जब खीर खाई तो खीर साधारण नहीं थी, इतनी टेस्टी खीर आज तक खाई नहीं कभी, एकदम दिव्य सुगंध उसमें। और ये खीर खाने के बाद तो सनातन गोस्वामी कहने लगे कि रूप गोस्वामी जिसे के ये खीर इस जगत की तो है, ये कहां से आई खीर। तो फिर रूप गोस्वामी जी कहने लगे कि जब आप आ रहे थे तो मेरे मन में विचार आया कि बड़े भाई आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कुछ खीर बनाऊं, जब खीर बनाऊं तो जब ऐसा विचार आया तो एक लाली है बराबर के गांव की जो है वो दे गई। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये साक्षात राधा रानी थी, जो और सामग्री जब दे गई है, ऐसी सामग्री यहाँ तो इस जगत में ऐसी खीर तो बनी नहीं सकती। तो कहा कि तुम ऐसी इच्छा मत किया करो, तुमने राधा रानी से सेवा ली है, तुमने राधा रानी से सेवा ली है। तो रोने लगे ब्रह्म, मैंने राधा रानी से सेवा ले ली। और फिर उस गांव में गए, देखा पूछा वो लाली है नहीं है, वो लाली तो नंसार चली गई है, आई नहीं है। ये सब बहुत सुंदर घटना ये हमने सुनी गुरुदेव से, महाराज जी से, और वैष्णव में ये सब सुनाते थे वृंदावन में। और एक और बहुत सुंदर घटना है यहाँ कुसुम सरोवर की। एक बार रूप गोस्वामी जी ये सब लीला देख रहे थे, ये अंतरंग लीला मतलब भगवान की लीला देखते रहते थे। जब लीला देख रहे थे तो एक कृष्ण महाराज जी कौन थे उनसे मिले आए, कृष्ण अंजय कृष्णदास उनसे मिलने आए। वो बेचारे टांग से लगड़े थे, टेढ़े थे,
अब वो लीला देख रहे हैं। जब वो लीला देख रहे हैं तो राधा रानी क्या है कि एक डाल है और उसको पकड़ रही है, और जब उसको पकड़ रही है तो वो डाल ऊंची है और बार बार उचकती है, उचकती है तो डाल नहीं आ रही। तो भगवान कृष्ण दूर से देख रहे हैं, वो बार बार उचक रही है और ये सब लीला देख रहे हैं। तो कृष्ण ने दूर से आकर के उस डाली को दबा दिया, दबा दिया तो डाली नीचे आ गई, और जब डाली नीचे आ गई तो राधा रानी ने उसको पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो कृष्ण ने छोड़ दिया, छोड़ दिया तो राधा रानी ऊपर लग गई। जब ये दृश्य देख ही रहे थे तो उनको गोस्वामी जी को हंसी आ गई। जब हंसी आई तो धनंजय दास जी जब ही रूप गोस्वामी से मिलने आए, तभी मिलने आए, जब मिलने आए देखा तो अरे ये तो मुझे देख के हंस गया, मन में अपराध कर लिया, और वो चले गए। जब चले गए तो उनको लीला दर्शन नहीं होने लगा तो बड़ा बरखने लगे। उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को बताया, जब खंजर मतलब होता है जो लकड़े, जो लकड़े अच्छा। श्री रूप गोस्वामी ये लीला को, प्रभु जी ने जो लीला बताई उन्होंने देखा कैसे ये लीला में डूबे हुए थे, कैसे राधा रानी रोज वहाँ पुष्प सरोवर में रोज वहाँ पुष्प चयन करने के लिए आती थी। कृष्ण नटखट है, कृष्ण कन्हैया है, हाँ नटखट है, वो पहले आकर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और प्यार को नीचे दबा कर टहनी आकर रखा था, और रात क्या होता है ना रोज रोज कहीं फूल तो नीचे का फूल तोड़ ले लेते हो लेकिन ऊपर का फूल तो रह जाती, और कृष्ण उसको प्यार में दबा कर रखे थे। और उन्होंने जब हाथ पकड़ करके चयन करने लग गई कृष्ण छोड़ दे तो उन्हें पूरा ऊपर लेकर चले गए। इतने में राधा रानी रोने लग गई, बचाओ बचाओ। सखियों ने देखा भैया अपने आप टेंगिया किसी ऊपर उठ जाएगा, उन्होंने देखा जरूर दान में कुछ काला दिखा तो वही नटखट बैठा है और कन्हैया बैठा हुआ दबा। फिर कृष्ण नीचे आए और राधा रानी को उन्होंने गोद में पकड़ गोद में लेकर के उतरे। उन्होंने ये लीला दर्शन कर रहे रूप गोस्वामी, जो खंजर कृष्णदास बताए ये लंगड़े थे, खंजर मतलब होता है लंगड़े, वो लगड़ते लगड़ते जा रहे थे। और रूप गोस्वामी की लीला दर्शन करते हुए इतने मन मन में हंस रहे थे। अभी उनके मन में ये शंका हो गया, रूप गोस्वामी इतने बड़े संत हैं लेकिन इस संत होकर के जो संत होते वो शरीर नहीं देखते हैं, हैं? महाभागवत तो कौन होते हैं? महाभागवत का लक्षण है सर्वभूतेश चेत भगवत भागवत, वो शरीर को नहीं देखते हैं, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं वो भगवान को दर्शन करते हैं। संत ये चमड़ा को नहीं देखते, वो आत्मा को दर्शन करते हैं, ये आत्मदर्शी होते हैं। बल्कि इतने बड़े आत्मदर्शी होते हुए और मैं लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा हूँ और इसको देख करके हंसी उड़ा है, हंसी उड़ा है। इतने में उनके मन में थोड़ी सी बाधा हो, थोड़ी सी दुखी हो। देखो यहाँ पर सिखा देते हैं जो वैष्णव अपराध कितने खतरा, ये सावधान सब, ये वैष्णव अपराध कितने खतरा है। इन्होंने लीला दर्शन कर रहे थे, लीला दर्शन करके हंसे और ये लगड़ा लगड़ा थे, लगड़ा थे जा रहे थे। इनके मन में क्या हुई, क्या उन्होंने मेरे को देख करके हंसे? जब दुखी हो गए इनके हृदय में जो लीला चल रही थी ना, इनके हृदय में जो लीला चल रही थी वो लीला हो गया बंद और दुखी नहीं रहा। क्यों? एक वैष्णव चरण में अपराध हो गया, एक साधु चरण में अपराध हो गया, इसलिए 10 तरह का नाम अपराध है। कितना तरह का नाम अपराध है बताओ तो? पहला नाम अपराध क्या है? 10 तरह का नाम अपराध, पहला नाम अपराध क्या है? बोलो जोर से बोलो, वैष्णव निंदा। सबसे पहला अपराध है वैष्णव निंदा। इसलिए यहाँ पर ये नहीं बताए जो भक्ति जगत में सबसे जो महत्वपूर्ण गुरुजी, गुरुजी सबसे पहले महत्वपूर्ण गुरुजी, लेकिन जो गुरु अपज्ञा को तीसरा नंबर पे बताया, लेकिन जो पहला अपराध क्या बताए वैष्णव निंदा सबसे पहले। क्यों? पहले कभी कभी गुरु जी का प्रतीत हमारे गुरु ज्ञान होता है, हमारे गुरु जी गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन क्या क्या होता कभी वैष्णव का प्रति ना अनादर हो जाता है। अरे ये ऐसे ही गुरु जी को तो बड़े सम्मान देते हैं लेकिन वैष्णव के लिए अरे ये ऐसे ऐसे बोलते रहते, कभी कभी उनको प्रति हमारी नेगलेक्ट भाव हो जाता है। अगर किसी वैष्णव का प्रति अगर हमारी नेगलेक्ट भाव हो जाए ना कहते भैया ये बड़ा खतरा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना माँ को भी माफ नहीं किया, अपना मैया को भी उन्होंने माफी नहीं किया,
हाँ महाप्रभु जो प्रेम दे रहे थे सबको तो प्रेम दे रहे थे, लेकिन अपने माँ को नहीं बुलाया। श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रभु आप सबको प्रेम दे रहे हो, अपना मैया को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो? बोले उसने वैष्णव बुला दिया। बोले माता जी वैष्णव जिसको चरण में, बोले अद्वैत आचार्य चरण में, उनकी माँ होते हुए भी उनके चरण में माफी मांगा। और श्री श्रीवास पंडित के चरण में एक गोपाल चापाल था, एक गोपाल चापाल था है? उसने उनकी घर को सामने मदिरा जवाहरपुर और मांस रख करके उनका बदनाम करा। देखो ये रात को जो कीर्तन करते ना ढोंगी सब, ये कीर्तन फिर्तन नहीं, स्वर्ग से अप्सरियों को बुला करके शराब और मांस खाते हैं और अप्सरियों के साथ में विहार करके उनको बदनाम किया, उनको सारा शरीर में कुष्ठ हो गया, गला आंख नाक सब के सब गल गया है, क्योंकि बड़े अपराध हुए। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते रूप गोस्वामी कहते हैं, भले ही भजन कम हो कोई चिंता नहीं, लेकिन कभी किसी संतों का निंदा मत करो, किसी साधु का भी निंदा मत करो। देखो यहाँ पर ध्यान देकर देखो, यहाँ पर जितने आए हैं ये सब भक्त है, ये मत सब जो जो लाल कपड़ा पहने के लिए वही भक्त नहीं, जो गुरु जी से वैष्णव से हरिनाम लिया भजन करते हैं ये सब के सब भक्त है, ये सब के सब भक्त। इसलिए कभी आपस आपस में किसको असन्मान मत किया करो, किसको असन्मान मत करो, सबको यथा योग्य सम्मान दो। और देखो और एक चीज समझो, ये जो आश्रम बना है ना, ये गुरु जी का आश्रम, किसका आश्रम है? गुरु जी का, अपना किसका है नहीं है, किसकी कृपा से बनी? गुरु जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ये आश्रम बना। ये किसी व्यक्ति विशेष का ये आश्रम नहीं, ये किसी व्यक्ति विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति का ये स्थान नहीं। और गुरु जी कौन? हमारे पिताजी। गुरु जी कौन है? पिताजी। हम कौन है? बच्चे। जैसे अपना बेटी को पिताजी के घर में जाने के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं, बेटी किसी समय भी अपना पिताजी के घर में जा सकती है। ये मंदिर क्या है? ये पिताजी के घर है। ये हमारी भले अपना घर में कहीं स्थान नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर पिताजी का घर है, यहाँ पर सभी का स्थान, सभी की स्थान है, किसी एक व्यक्ति विशेष का ये स्थान नहीं। इसलिए कभी कोई भूल से भी ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, नहीं ये हमारे लिए ये स्थान तुम्हारे लिए स्थान है, ये हमारे लिए स्थान तुम्हारे नहीं, कभी भी ऐसे बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। सब की गुरु जी हमारे पिताजी है, ये हमारे माता जी है, यहाँ पर निशांच के रूप में कभी किसी समय में भी हम गुरु जी के स्थान में आ सकते हैं, यहाँ पर किसकी आदेश लेने का कोई जरूरत नहीं। ये हर समय आश्रम मतलब क्या है? आश्रम मतलब होता है आश्रय, आश्रम मतलब आश्रय, ये सब का आश्रय, ये गुरु जी का स्थान, ये सभी का आश्रय है। बड़े गुरु जी की कृपा से हमें ये स्थान मिला है, इसलिए गुरु जी के स्थान में हम कभी किसी समय अपने लिए आ सकते हो। इसलिए कभी कोई ये बात नहीं बोलना, नहीं ये हमारी, हमने बनाया हमारी नहीं। इसलिए जब श्री जगन्नाथ पुरी का जब मंदिर बनाया ना, जब राधा इंद्रदुम्न ने मंदिर बनाया, जगन्नाथ जी ने बोले वर मांगो, बोले हमें ये वर दो हमारे वंश में सब खत्म हो जाए, बोले वर मांगे हमारे वंश में सब खत्म हो जाए, बोले ऐसे क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए मांग रहा हूँ, कभी संत में कोई आकर के दावी नहीं करे, अरे हमने ये मंदिर बनाया हमारा दावी, इसलिए हमारा वंश में कोई रहे नहीं, ये सबका मंदिर हो, भगवान के दरबार सभी का दरबार हो, भगवान की इसलिए हमारे वंश में कोई भगवान से इंद्रदुम्न महाराज यही बल मांगे, हमारे वंश में कोई रहे नहीं। इसलिए सबके स्थान ठाकुर का स्थान हो, ये जगन्नाथ जी का स्थान है, वो जगतपति श्री जगन्नाथ जी है, हम सब उनके बच्चे हैं, ये घर हमारी अपना घर है, ये अपना घर, ये समझ करके यहाँ पर आओ, कीर्तन कथा भगवान की भजन कथा करो। इसलिए प्रभु जी ने जो बात बताई इसमें वैष्णव अपराध की, अब सब वैष्णव जो माला कंठी लिए हो, ऐसे नहीं जो केवल त्यागी लाल कपड़े पहने कोई वैष्णव नहीं, अब सबके सब गुरु जी हरि नाम लिए तिलक माला कंठी पहने सब वैष्णव, सब भगवान की भक्ति करते। इसलिए कभी भी आपस में किसी व्यक्ति का निंदा चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी निंदा करेंगे तो वैष्णव है, ठीक है ना। इसलिए कभी इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते ध्यान देकर सुनो, भगवान को कौन पा सकते, बोले काहर ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य सही तारी बेटा। बहुत बड़ी बात बताई था,
बोले जो व्यक्ति कभी किसकी बुराई नहीं करते, कार्य ना करे निंदा, किसी की निंदा चर्चा नहीं करते, क्या करते हैं? कृष्णा कृष्णा बोले हर समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर करके बोलो हरे कि ये जो सब हो रहा है, मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो तो उन्होंने कृपा करी कर आजमा लिया हमको, दान करते। मैं महाराज जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम तो मंदबुद्धि हैं, हम तो अपराध करते हैं, हमको भी अपनाएं और हमारे जो भी अपराध हैं उनको सबको सहते हुए हमारा उद्धार। हरे कृष्ण। बड़े पंडित जी और श्रीकांत प्रभु जी कुछ बोलेंगे। देखो प्रभु जी एक बात बता रहे थे ना, अभी ये जो रूप गोस्वामी कथा सुनते प्रभु जी बहुत अच्छी बात बताई। ये हमारे गुरु जी का इतना प्रिय, जितने तिथियों को गुरुदेव पालन करते थे सबसे जो ज्यादा प्रेम से जो तिथि पालन करते थे रूप गोस्वामी, क्योंकि हम लोग रूपानुगम रूप गोस्वामी के आनुगत्य में आने वाले और इनकी कृपा के बगैर राधा कृष्ण की सेवा हमें मिल नहीं सकता, इसलिए हम अपने आप रूपानुगम कहते हैं। गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे भले ही किसी स्थान में किसको बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन गुरुदेव एक स्थान में तो जरूर बुलाते, बोले जानते हो कहाँ पर बुला करते, बोले टेर कदम, कहाँ पर लगते ये टेर कदम, क्यों टेर कदम रूप गोस्वामी का भजन। जब रूप गोस्वामी वहीं पर भजन करते थे, देखो गुरुदेव कहते थे जिस वृक्षों पर नीचे वो बैठ करके वो ग्रंथ लिखते थे, जब राधा कृष्ण की कोई विरह की बात लिखते थे, राधा कृष्ण किसी विरह की बात लिखते थे, उनकी लेखनी में इतनी शक्ति थी, वो वृक्ष जिस वृक्ष को नीचे लिखते थे वो वृक्ष का पत्ता उनकी लेखन में इतनी शक्ति थी, वो वृक्ष की पत्ता सूख करके नीचे गिर जाता था। लेकिन जब फिर राधा कृष्ण की मिलन की बात वो लिखते थे, फिर वो पेड़ में पत्ता फिर हरा हो जाता था, फिर पेड़ का पत्ता हरा, मतलब इनका लेखनी में इतने शक्ति थी लेखनी में। इसलिए गुरुदेव कहते थे रूप गोस्वामी वहां पर क्यों भजन करते थे, एक तरफ में नंदगांव और एक तरफ में जावट। जावट क्या है? राधा रानी की ससुराल, और नंदगांव क्या है? कृष्ण की है, कृष्ण की घर है, इसलिए उसको बीच में रह करके भजन करते थे। गुरुदेव बोलते थे क्यों वो बीच में क्यों रह करके भजन क्यों करते थे, क्योंकि राधा रानी रोज ये जावट से नंदगांव आती थी रसोई बनाने के, क्योंकि रसोई बनाने के लिए जावट से रोज आती थी, और जब वहीं पर रूप गोस्वामी भजन करते थे क्यों रोज राधा रानी के दर्शन, क्यों उधर से राधा रानी होते हुए जाते थे, और कभी कभी क्या करते थे कृष्ण गैया है ना, गैया की जो स्तन है उसको पकड़ करके राधा रानी जब जाती थी उनका स्तन को पकड़ कर जोर से दूध की धार राधा रानी के मुंह में मारते थे, और राधा रानी का जो मुंह दूध दूध से भर जाती थी, जब भर जाती थी और राधा रानी क्या करती थी गले की जी हार होती थी ना उसको तोड़ करके जान बुझ कर वही फेंक देते, क्यों अभी तो कृष्ण यही ना, कृष्ण दर्शन तो होगा नहीं, हम तो खड़े होकर कृष्ण को ऐसे देख नहीं सकते, इसलिए वो बहाना बना लेती थी, और गले की जब मोती वहां पर गिर जाती थी राधा रानी एक एक कर उठाती थी, लेकिन उधर किसको देखती थी कृष्ण, इधर कृष्ण के दर्शन करती थी और एक एक मोतियों की माला को राधा रानी वहीं पर उठाते और कृष्ण दर्शन करते थे, इसलिए रूप गोस्वामी वहीं भजन करते थे, वहीं उद्धव बिहारी वहीं पर कृष्ण का जितने मधुर लीला वहीं पर हुई, इसलिए ललिता कुंड विशाखा कुंड वहीं पर है, इसलिए वो स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान जहाँ पर रूप गोस्वामी ने वहीं पर भजन किया, इसलिए वहीं पर रहते थे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया सख्यरूपमिदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदावै कृष्णाय कृष्णभक्ताय जगद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ग्रन्थिरा प्रारम्भे कवि मङ्गलाचरण गुरु वैष्णव भगवान् तिमिरस्मरण तिमिरस्मरण हय विघ्न विनाशन अनायासे हर निज वाञ्छित पूरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अस्माद्य गुरुपादपद्म श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत प्रिगत्य स्वामी श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का चरण कमाने साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाई तत्पश्चात उपस्थित भागवत कथा श्रोता बंधु माँ और बहन छोटे बड़ो भाई सबका चरण दंडवत। गुरु जी बताया अभी इसके बाद तो पंडित जी बोलेंगे। मैं जानता हूँ मैंने हमारा मठ में जितना भक्त है सब लोग भी जानते हैं। गौरिया मठ में जितना भक्त वर्तमान है मेरे जैसा बेवकूफ कोई भी है नहीं। मैंने अभी सच में तो बता रहा हूँ झूठ नहीं हाई स्कूल दिखाई नहीं। जो सुना गुरु वैष्णव मुख से उसी को थोड़ी से बोलने के लिए चेष्टा करूँ। तो अभी भी आज मैंने हमारा प्रभु जी को पूछा था प्रभु जी मैं क्या बोलूँ मेरे को थोड़ा बता दें। हमारा प्रभु जी ने मेरे को जिस चीज की बताया था बोलने के लिए खुद बोल दिया। अरे मैं क्या पता था ये बोलेंगे मैं क्या बोलूंगा सोचने से बाहर है। तभी भी तुलसी बताया कुछ बोलने के लिए मैंने जो गुरु वैष्णव मुख से सुना हूँ कोशिश करूँगा कुछ बोलने के लिए कुछ गलत होगा तो आप लोग मेरे को माफ करें। देखो प्रभु जी अभी बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक ने लिखा उसी श्लोक को कोई भी समझ नहीं पाया। प्रभु जी बताया स्वरूपानंद एवं रूप गोस्वामी समझे थे एवं समझते हुए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा। अभी बताया प्रभु जब उस चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक को देखा स्वरूप दामोदर को पूछा ये मेरा मन की बात है। प्रभु बताया ना अभी अब लोग सुने सब ध्यान देखिए सुनना चैतन्य महाप्रभु ने स्वर्ग दामोदर को पूछा ये मेरा मन की बात है। रूप गोस्वामी को मालूम पड़ा कैसे किस प्रकार मालूम पड़ा उसी बात प्रभु जी ने क्या बताया स्वर्ग दामोदर ने उत्तर दिया रूप गोस्वामी ने आपका कृपा पात्र है आपका कृपा से सब कुछ जान चुका है इसलिए लिख दिया। एक प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का पास में रूप गोस्वामी रहते थे कथा श्रवण करते थे कथा श्रवण करने पर किंबा पास में रहने पर भगवान का पास में रहने पर किंबा कथा श्रवण करने पर कोई कृपा पत्र बन सकता बताओ। अभी सब लोग गुरु जी से कथा श्रवण कर रहे हो गुरु जी का पास में ऑलरेडी बैठे हुए लोग सब लोग कृपा पत्र है मैं तो नहीं हूँ बताओ आप लोग कृपा पत्र बन सकता कोई। अरे प्रभु जी ने बताया गलत बताया ना सच्ची बताया आप लोग क्यों उसका बात मान लिया।
बताओ अभी बताया चैतन्य महाप्रभु को स्वर्गत आनंद ने बताया रूप गोस्वामी महाप्रभु का कृपा बात किसी ने देखो शास्त्र का बताया जब वो भगवान श्री कृष्ण आए थे शिशुपाल दंत वक्र भी उनका पास में थे वह बेटा है भाई वो लोग भी तो थे उनको क्यों कृपा मिला नहीं पास में रहने पर कोई कृपा पात्र नहीं बन सकता चैतन्य महाप्रभु का पास रूप गोस्वामी रहने पर भी कृपा पात्र नहीं बन सकते ये बनाने का कारण क्या है प्रभु जी तो बताया कृपा पात्र किसी यशु रूप अंदर बताया रूप गोस्वामी कृपा पात्र देखो एक बात है मैंने गुरु जी मुख से सुना था आप लोगों ने सुने होंगे मैं थोड़ी से दोहरा लूंगा आपको याद कराने के लिए जब भगवान कृष्ण ने हम लोग सुने भागवत में लिखा नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम भगवान है अभी गुरु जी भी बता रहे थे सब रस में परिपूर्ण नाम नाम अभिन्न सब रस में परिपूर्ण गुरु जी बता रहे थे भगवान का द्वादश रस है मुख्य रस पांच एवं सात है जो मुख्य रस पांच है जो परिपूर्ण है भगवान उनको आस्वादन करने के लिए रसगुल्ला तो बहुत मीठा है किंतु जो रसगुल्ला है रसगुल्ला को पता है कितना रस मेरा शरीर में है पता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझने वाला बात भगवान श्री कृष्ण अपना वाम अंग से राधा रानी को प्रकट किया जब वो राधा रानी को प्रकट किया रास से प्रकट हुई इसलिए पहला अक्षर रा एवं प्रकट होने के बाद तुरंत ही सेवा करने के लिए कृष्ण को दौड़ी पड़ी धावित हुई इसलिए नाम पड़ा राधा जो शक्ति शक्तिमान इसमें अभिन्न शक्ति शक्तिमान अभिन्न जब कृष्ण का शरीर में सब कुछ जो है राधा रानी का शरीर में है कि नहीं हम लोग गुरु जी का मुख से सुना है एक बार नारद जी ने द्वारिका में गए देखा एक एक पत्नी के पास कोई रुक नहीं पाती मोहिना में 40 दिन झगड़ा होता कृष्ण कितना शादी किया था 16108 झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखने के लिए जाएंगे किंतु जब नारद जी ने गया देखा रुक्मिणी का पास कुछ कर रहे थे पैसा कर रहे थे नारद जी को सम्मान ने सम्मान किया जब वो विदाया दिया दूसरा घर में गए नारद मित्र वृंदा का घर में पहुंच गए वहां पर श्री कृष्ण ने पूछा आप कब आए जैसे कुछ पता नहीं इसे प्रत्येक जगह में देखा भगवान कृष्ण ने एक एक रूप लेकर सबका साथ लीला कर रहे जब कृष्ण कर सकते राधा रानी क्या नहीं कर सकती कर सकते कि नहीं कर सकते रास समय जो रास हुआ वृंदावन में राधा रानी ने सोचा मैंने अकेला कैसे कृष्ण को सेवा करूं मैं नहीं कर सकती इसीलिए अपना अंग से कुछ सख्यों को प्रकट कर दिया सब मिलकर कृष्ण का साथ रास हुआ था सेवा करने के लिए बताया रास पंचरस है बताया ना श्रेष्ठ पंचरस जो श्रेष्ठ पंचरस उसे रास करने के लिए गए भगवान उनका शरीर से प्रकट हुआ जो मंजरी है
सब मिलकर ही गा सकते हैं। मंजरी बीच में अभी गुरु जी बता रहे थे कृष्णा लीला में रूप गोस्वामी रूप मंजरी थे, समझ में आ रहा बात, रूप मंजरी थे, रूप मंजरी होने का नाते उनको सब कुछ पता है, क्योंकि राधा रानी का अंश से प्रकट हुई, कृष्ण भगवान को डायरेक्ट सेवा किया, इसलिए वो सब मालूम है कृष्ण का बाबा ने क्या करना नहीं करना। एक महाप्रभु किसी भाव में आए थे, राधा जी का अंग क्रांति एवं राधा जी का भाव को लेकर आए थे, जो प्रभु जी बताया सो उसमें लिखा था, रूप गोस्वामी ने उसका अर्थ ये है, राधा जी ने एक सखी को बोलती है, मैंने जब वृंदावन में कृष्ण के साथ जमुना किनारे पहला बार मिलन हुआ था जो आनंद था, अभी कुरुक्षेत्र में मिलने पर वही आनंद मिलता नहीं, इसलिए मेरे हृदय रूपी रथ में बैठा कर मैं वृंदावन मिला जाता। इसी भाव को जब वो समझ गए थे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बताइए बड़ा मन की बात, रूप गोस्वामी कैसे समझा, इसलिए समझ में आया चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव को लेके आए, राधा रानी का भाव को कौन समझ सकता, रूप मंजरी समझ सकता, इसीलिए रूप गोस्वामी कृपा पात्र बताया स्वर्ग दामोदर। दूसरा कहूं बताया था कैसे तुंडे तांडवी बताते लिखा, तो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु जी बोलते जो व्यक्ति कुछ बोल दिया उसमें रिपीट करना अच्छा नहीं, दूसरा कुछ कथा बोलने के लिए मैं और एक लिया कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अन्य एक बात, चैतन्य महाप्रभु का साथ में स्वर्गदानंद रायनावानंद सिखिमाई भी माधवी देवी उनका परिकर, जिस प्रकार चैतन्य भक्ति भक्तिनाथ ठाकुर लिखा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीते दया करी स्व पार्षद श्रिय धाम सहवत, सब पार्षद को लेकर महाप्रभु इस धाम में आते, जो प्रत्येक साथ में थे उसी समय जो राय रामानंद सिखेमाई थी माधवी देवी ये साधारण व्यक्ति नहीं थी, ये साढ़े तीन परिकर थे महाप्रभु, वो व्यक्ति राय रामानंद वो रस का आचार्य थे, रस का आचार्य थे, रस का आचार्य होने पर जब एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास अर्जुन मिश्र नामक एक ब्राह्मण आया था कथा श्रवण करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु मेरे को कुछ भगवत कथा शिक्षा दो मेरा जिसे कल्याण हो, किंतु चैतन्य महाप्रभु अर्जुन मिश्र को भेजा राय रामानंद के पास, राय रामानंद उसी समय बहुत सारा जवान जवानी लड़की को, जो लड़की को शादी हुआ नहीं वो लड़की को श्रृंगार कर रहे थे, राय रामानंद साधारण नहीं थे वो सन्यासी थे, और सुना होगा राय रामानंद को बहुत सारा प्रश्न किया था चैतन्य महाप्रभु, राय रामानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया था, महाप्रभु कथा श्रवण करने के लिए राय रामानंद के पास गया था, वही व्यक्ति जब वो देखा श्रृंगार कर रहे जवान लड़की को, आपका मन में क्या होगा, किसी साधु को गुरु जी बता दे साधु को किसी तरीका देखने से कुछ बोलना नहीं अपराध होता, अभी प्रभु जी बता रहे थे हमारा रूप गोस्वामी का किसी प्रकार उदाहरण दिया था, जब देखा मन में घृणा आया ये कैसा साधु यार, जो शादी किया नहीं लड़की जवान जवानी एक ही नहीं रूम बन रहे, जिस लड़की रूम अंदर बैठा है उसको श्रृंगार कर रहे, मन में घृणा आया वापस आ, महाप्रभु जो बताया महाप्रभु पुनर्वार भेजा था, मैं कथा नहीं सुना सकता, राय रामानंद ने आपको सुनाया क्योंकि रस का भंडार है, वही राय रामानंद एक बार श्री रूप गोस्वामी के साथ मिला, पूछा
प्रभु जी अभी अब क्या ग्रंथ लग रहे। रूप गोस्वामी ने बताया विदग्ध माधव एवं ललित माधव, अभी दो ग्रंथ बड़ा चल रहा है। उसमें जब देखा ग्रंथ किस तरह का लिखा है, क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ो। राय रामानंद ने जब देखा पहला श्लोक में लिखा था अनर्पित चरित्र करुणया अवतीर्ण कर लो तुम रसम स्वभक्ति श्रिय हरि कुलट सुंदर धुति कदम्ब संजीवित सदा हृदय कंगने स्मरण देह सचिन। से बताया जो अनर्पित चरित्र अनादिकाल से जो प्रेम को ब्रह्मा विरंजी बोले शंकर, देखो प्रभु जो बात बता रहे ना बहुत अच्छी बात। ये जब श्री रूप गोस्वामी जब सिद्ध बाबुल में रहते थे उस समय में ये ग्रंथों को रूप गोस्वामी लिख रहे थे, और इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने बोले क्या लिख रहे हो, ललित माधव और विदग्ध माधव ग्रंथ लिख रहे। तो उन्होंने बोले इसका मंगलाचरण श्लोक को पढ़। जब उसने मंगलाचरण श्लोक रूप गोस्वामी ने पढ़े इतना सुंदर श्लोक था उसमें चैतन्य महाप्रभु बोल कि कब जगत में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु को सबसे बड़ा बदान्य रूप गोस्वामी कहते हैं नमः महाबदान्याय, जगत में बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं लेकिन इसे चैतन्य महाप्रभु जैसे दानी के बाद प्रभावित हुए हैं। इसलिए महाप्रभु का जो निरूपण उन्होंने किया है अद्भुत रूप में, महाप्रभु का सर्वश्रेष्ठ बदान्य क्यों बताए, महाप्रभु कौन जगत में क्यों आए, क्या दिया, इतना श्लोक था जिसको महाप्रभु सुने तो उनका हृदय गदगद हो गया महाप्रभु है। फिर जब उन्होंने तुंडे तांडव निकल निकल उठे इस श्लोक को जो सुना महाप्रभु तो सुन करके पागल गए और उसको देख करके हृदय भी समाया नहीं। जैसे कोई बढ़िया चीज देखे ना हम दूसरों को भाई देखा है क्या चीज है, उन्होंने समाया नहीं। फिर उन्होंने सारे भक्तों को लेकर के वहां पर आए और आकर के जब ये श्लोक को सुने महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। महाप्रभु बोले देखो तुमने तो बढ़िया बात बताया अनर्पित चरित्र मतलब है चिरक मतलब बहुत दिन से जो प्रेम नहीं दिया, बहुत दिन मतलब ब्रह्मा की एक दिन पहले आपने दुर्लभ प्रेम दिया था अभी उसको बाद में खरे उन्होंने नहीं दिया, उसी प्रेम को देने के लिए इस जगत में जो आए हैं, कृपा करके कलयुग में जो अवतीर्ण हुए हैं। कहते ये कौन है स्फुरत उपा सचिनंदन, कहते ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु सची के जो बेटा श्री महाप्रभु क्या हो हमारा हृदय है हर समय स्फुरित हो। लेकिन महापुरुष को सुन करके बोले देखो तुमने तो बढ़िया बात बताई लेकिन एक चीज गलती है। बोले क्या है, तुमने जो मेरा जो नाम दे दिया ना स्फुरत व सचिनंदन मतलब मेरे हृदय में महापुरुष स्फूर्ति हो ये थोड़ी गलती हो। तब कहते नहीं ये गलती नहीं हुआ, जैसे बड़े सुंदर पानी में उसमें मिश्री डाल दो, उसमें थोड़ा नींबू डाल दो, उसमें थोड़ी सी नींबू डाल दो और थोड़ी सी जैसे कर्पूर डाल दो ना और उसमें सुगंध ही आ जाता है। स्फुरत व सचिनंदन मतलब ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबके सब प्रणाम करते हैं। वो क्या है महाप्रभु कहते जैसे सूरा डाल दिया, सूरा मतलब शराब का एक एक बूंद डाल दिया, मतलब शराब का एक बूंद नहीं मानो जैसे उसमें कर्पूर डाल दिया और उसमें थोड़ा सुगंध हो गया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने जो ऐसे जो एक श्लोक लिखा है वो अद्भुत श्लोक है चैतन्य महाप्रभु पर भी, महाप्रभु कौन आए क्यों जगत में क्या किया इनके आने का क्या वैशिष्टता है, अद्भुत अद्भुत रूप ने ये ग्रंथ को रचना किया है। इसलिए प्रभु जी इसी विषय पर बोल रहे थे। और देखो कल है, कल कौन सा तिथि है एकादशी, कौन कौन एकादशी व्रत रखते सभी रखते इसलिए कल एकादशी व्रत है और एकादशी व्रत में हमारे श्री जी प्रभु व्रत कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। गुड बाय।
सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी हमेशा सारे शास्त्रों का निचोड़ घुमा फिरा के क्या बोलते हैं, भगवान का नाम हरिनाम करना चाहिए। भागवत में भी अंतिम श्लोक क्या है, सारे जितना भी 18,000 श्लोक सारे वेद पुराण परिषद का सार श्रीमद भागवत है, और भागवत का भी सार क्या है, नाम। और रूप गोस्वामी जिसके विषय में सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भी नाम करते थे, और रूप गोस्वामी ने क्या कहा है, जो नाम करते हैं ना नाम संकीर्तन, उन्होंने नाम के लिए बहुत प्रकार के अष्टक लिखे। एक जगह निखिल श्रुति मौलि रत्न माला द्युति नीराज पाद पंकज मुक्त बोले मानव हरि नाम संस्करण। क्या बोला है, निखिल श्रुति रत्न माला जितने भी श्रुतियां हैं पुराण है उपनिषद है सब नाम संकीर्त, नाम भगवान का नाम है ना, उन भगवान के नाम की चरण कमल के नख की सारे लोग स्तुति पूजा आदि करते हैं। और जो नाम है ना भगवान का वो लोग मुक्त जीव भी करते हैं बद्ध जीव भी करते हैं, और जो भगवान के जो परिकर है वो भगवान का नाम करते हैं। गोपियां भी गोविंद दामो दर माधवी, ये नाम है बहुत शक्तिशाली है। जैसे रूप गोस्वामी ने भी कहा है यद ब्रह्म साक्षात निष्ठा पे यद ब्रह्म साक्षात निष्ठा पे बिना न भोगे अपेति नाम स्पुरे तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोधी वेदी। जो लोग भगवान का नाम करते हैं बहुत सारे पाप हैं, पाप का जो फल भोगना ही पड़ता है भोगना ही पड़ता है, आपने जो पाप किया वो बीमारी के रूप में और दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। पंत रूप गोस्वामी कहते हैं एक ही उपाय है जो नहीं भोगना पड़े, क्या है, जद ब्रह्म साक्षात निष्ठा पे यदि भगवान का नाम एक बार किसी के मुख से हृदय से नाम निकल जाए। रूप गोस्वामी ने आदि आदि बताया कि तीन प्रकार के नाम है, नाम अपराध नाम आभास। रूप गोस्वामी बहुत अच्छी बात है नाम के बारे में, यदा आभासोऽप्युद्गल कभी तो गंध दृष्टि भक्ति पढ़ेंगे, जो भगवान का एक नाम आभास भी हो गया तो क्या होगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। तो कल हम लोग एकादशी शुभ तिथि है, कल भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, एकादशी में नाम का बड़ा फल है। तो मंगल आरती करते 6 बजे हम करेंगे, 6:30 बजे हम यहाँ मठ में सब लोग एकत्रित होंगे। महाराज जी भी बता रहे थे तीन प्रकार के स्नान होता है, कल बताया था क्या, हाँ चार प्रकार का, क्या याद है, क्या क्या बताना, ऋषि स्नान देव स्नान मानव स्नान राक्षस स्नान। राक्षस स्नान बता दो ज्यादा डिटेल में, क्या राक्षस स्नान क्या है, जो 6 बजे के बाद स्नान करते हैं राक्षस स्नान है। तो मैं तो पूछा नहीं कौन क्या करता है, पर कल एकादशी तिथि है, कल क्या करो, कल कम से कम क्या करेंगे, मनुष्य स्नान देव स्नान तो पता नहीं होगा नहीं होगा, तो मनुष्य स्नान करके हम लोग कल सब लोग आ जाना मंदिर में, सुबह 6 बजे आ जाएंगे और 6:30 बजे ठीक हम लोग यहाँ से कीर्तन जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के कार्ड पेपर लेके चलेंगे सामने के ब्लॉकों में सब जगह, जन्माष्टमी कार्ड को भगवान के नाम के द्वारा जो रूप रोशन कहते ना बता रहे तुंडे तांडव की तुलते तुंडा वनिकम दे कर्ण क्रोड़ कड़मणि घटे दे कड़ार बोधे पुष्प्रिया। कितनी नाम की महिमा है, जब नाम कृपा करते ना लगता है एक दो कान ने भगवान करोड़ों करोड़ों कान देते, और जब जीवा पे आता लगता भगवान ने एक जीवा क्यों दी, भगवान की लाखों जीवा होती तो क्या होता, और जब हृदय में आता है तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये नाम ही सार है, सारे शास्त्रों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, पुराणों का सार, रूप गोस्वामी के सारे शास्त्रों का सार। उन्होंने एक श्लोक में बोला है जो हमेशा गुरुदेव बोलते थे तन नाम रूप चरितादि, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, और एक संवरण सुकीर्तनानु, वो अनुगत्य में होना चाहिए। और कल हम बड़ा सौभाग्य की बात महाराज जी के अनुगत्य में करें और नाम संकीर्तन करें, कल बहुत अच्छी अवसर है। यदि भी हम जन्माष्टमी तक लगातार करेंगे और फिर भी करेंगे, पर कल का अवसर कोई छोड़ना नहीं, चाहे कोई माताएं हो दीदी हो प्रभु लोग हो बुजुर्ग हो, कोशिश करना सब लोग यहाँ पर आ जाए। जब श्री हरिदास ठाकुर
3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख जो हरिनाम करते थे जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे, जोर जोर से 1 लाख हरिनाम करते थे। एक समय एक मुसलमान ने पूछा, बोले हरिदास हमने सुना भगवान का नाम मन मन में करते हैं, तू तो चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ कर हरे कृष्ण कर रहे, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तो उन्होंने क्या बताया, बोले तुम्हें ये बताओ, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है? बोले जो परिवार को खिलाता है। बोले उसी तरह जो मन मन में हरिनाम करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो जोर जोर से हरिनाम करता है जैसे पशु पक्षी कीड़े कीड़े मकोड़े, ये कोई हरिनाम नहीं कर सकते, जब इन्हीं की कानों में भगवान का नाम जाए इनका भी कल्याण होता है। तो उन्होंने शास्त्र से एक श्लोक को उद्धृत करके बोले, बोले देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोलता है, क्या बोलता है? बोले जब तो हरिनामा निष्पाने सदा गुणा दिव, मतलब जो मन मन में हरिनाम करेगा उसको जो फल मिलेगा, जो जोर जोर से हरिनाम करेगा ना उसको 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, कितना गुण? 100 गुण ज्यादा। इसलिए बोले उदिल अरुण पर्व भागे जो मनी और अमनी जागे भगत समूह लैया साथे गोला नगर ब्राज। महाप्रभु रोज रोज बगला कीर्तन है, महाप्रभु रोज रोज अपना भक्तों को लेकर के नगर नगर में महाप्रभु जाते थे, गली गलियों में हरि कीर्तन करते थे। क्यों? गुरुदेव कहते थे जैसे कि पत्थर उठा, ये पत्थर को पानी में फेंको, बताओ क्या होगा? उसमें लहरी आएगी, फिर लहरी आता है अंतिम स्वर, फिर धीरे धीरे आएगा। गुरुदेव कहते थे जब हम जोर जोर से हरिनाम करते हैं जगत में कितने पाप कर्म होता है वो लहरी धीरे धीरे फैलती है। ये नाम ब्रह्म है, जहाँ तक प्रभु का नाम जाएगी कहते मंगल भवन। और कल एकादशी पर संडे, देखो दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, कल सबका छुट्टी है, है? कल सबका छुट्टी है, इसलिए भगवान एकादशी छुट्टी रविवार सब सब एक दिन समझो सारी बढ़िया चीज आ रही है, इसलिए कल अकेले नहीं पूरा परिवार को लेकर जाना, जो आते ही उनको भी लेकर जाना है। प्लस गली गली में जाएंगे हरि कीर्तन करेंगे हरि नाम करेंगे, ठीक है। देखो आज है हमारी जो अपना जो प्रसाद की जो व्यवस्था है ना, हमारे श्री बंगाली माता जी, माता जी यहाँ पर बैठे छोले दाल आलू दाल और बंगाली रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला बहुत अच्छा। हाँ माता जी बंगाली ये रसगुल्ला है ना बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत रसगुल्ला खाई होगी, लेकिन बंगाली रसगुल्ला के बारे में खाओ ना सारा दुनिया रसगुल्ला खाना भूल जाएगी। सबसे जो दुनिया में बेस्ट रसगुल्ला माता जी ने बंगाली रसगुल्ला मंगाया है सबके लिए। और लुची लुची बनाया ना पूरी बनाया, लुची समझती हो? बंगाल में जो पूरी हम खाते ना इधर वो पूरी नहीं खाएगा, कोई नहीं खाए बोले सोपर खाना, वो लुची खाते, लुची मतलब है वो मैदा से बनती है और उसमें मोम डालते हैं, उसमें मोम डालते हैं और मुंह में देते ही ना मिल जाता है, वो बहुत जो है। इसलिए मैंने भक्तों के लिए व्यवस्था की, ठाकुर जी को मेरी टीम तो बहुत बड़ा है, गणपति बोल रही थी हमारे घर में प्रसाद, और जब मैं प्रसाद के लिए जाऊँ ना सब बंगाली में सुनता हूँ, जो महाप्रभु में जो प्रिय चीजें नहीं बनाती ये बंगाली चीजें बनाती है, सब बंगाली बंगाली चीजें बनाती, इसलिए इनकी टीम बहुत बड़ा है और इनका पति का भी दिल से ज्यादा बड़ा है। और मेरे घर में ना मेरे घर में बहू भी एक आई है बहुत अच्छी, तो ब्राह्मणी घर की, देखो ये बीच में बैठ के देखो खड़े जैसी इसलिए घर की बहू है, ठाकुर जी को बहू को भी बहुत अच्छी बहू ला कर दिया है। देखो अभी अभी शादी हुई है, लेकिन देखो तिलक है, गले में कंठी माला है, हरिनाम करके ब्राह्मण घर की ये ब्राह्मण घर की, इसलिए ठाकुर जी को खूब आशीर्वाद है, खूब फल से बोलते रहे। मोम डालने का मतलब मोमबत्ती में, समझ रहा है? खाना बढ़िया आपको, वो बहुत विशेष प्रकार का तेल होता है, बहुत अच्छा खुशबू वाला है, तेल डाल के घी उसमें डाल देना, जैसे उसमें डाले ना तो पूरे को कड़क नहीं रहता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। अब ठाकुर जी आरती, अभी आरती आरती अनुपम अनुपम जी, और कल कल जो प्रोग्राम है शाम को है ना,
कल भी हमारे भैया कहाँ गए, कल भी प्रसाद है वो खा ली थी। अगर कोई प्रसाद देना चाहते हो आप लोग प्रसाद दे सकते हो, हम चाहते जिस रात की कथा हो उतना दिन। अगर आप लोग थोड़े थोड़े ज्यादा अगर पूरा नहीं दे करके अगर थोड़ा थोड़ा भी दे सकते हो तो उसमें परिवार से कथा हो और प्रसाद बोलो सचिन नंदन गौर हरी की। Oh,
Thank you.
Thank you.